हेलो एवरीवन, ऑडिबल क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है जय हिंद कैसे हैं आप सभी लोग हाउस द जोस क्या मेरी बुलंद आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है अगर स्क्रीन और आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है तो जल्दी से चैट में वन टाइप करें फटाफट और नहीं दे रहा तो टू टाइप करें भाई इज द जोस कैसे हैं आप लोग और भाई विमल भाई ऑल ऑफ यू आर रेडी तो माहौल सेट एकदम तगड़ा माहौल है भाई क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को ओके नाइस ग्रेट तो आज हम इस सेशन में क्या कवर करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप फिजिक्स से लव करते हैं ना तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक चैप्टर है एंड दैट इज ईएमआई एसी और आपको पता होगा कि जेई मेंस 2020 से 2022 तक बोरी भर भर के सवाल पूछे गए हैं इससे मतलब इतना तो तय है कि इन दो चैप्टर्स को मिलाकर के ईएमआई एसी से हर साल कम से कम 3 से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और अप टू लेवल कवर करूंगा मैं इस सेशन में आपको इतना एक्सप्लेन कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा कि जेई मेंस लेवल तक के तो सवाल आप बहुत स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं क्लियर भाई कृष्णा कुमार हेलो द्विवेदी साहब जय श्री राम ऑल आर वेल तो रेडी हैं तो आज का सेशन मुझे नहीं पता कितनी देर तक चलेगा लेकिन जब तक भी चले लेकिन ये आज का सेशन आपके लिए एक बहुत शानदार सेशन होने वाला है और जब आज ये सेशन कंप्लीट हो तो आप कम से कम यहाँ पर अगर फुली अटेंटिव रहे तो डेफिनेटली आप कुछ नया सीख करके जाएंगे और आपको इस चैप्टर में अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है हो सकता है ये चैप्टर आपने उतने बेहतर तरीके से ना पढ़ा हो या आपको बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो भी मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आज इस सेशन को अगर आपने सिंसियरली अटेंड कर लिया ना तो आपका भला होने वाला है तो सभी लोग तैयार हैं तो भैया ऐसा है सर्दी का माहौल है तो ये नहीं होना चाहिए कि रजाई में टोपा पहन करके आराम से बैठे हुए एकदम से बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठना है भाई थ्योरी लिखने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि हम कम से कम इंटरवल में सारे कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे लेकिन जब न्यूमेरिकल की बात आती है कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है उस फॉर्मुले की वैलिडिटी की बात आती है कि ये फॉर्मूला कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जब मैं आपको बेसिक स्टेप्स बता रहा उन सभी चीजों को आपको नोट no डाउन करना है सारी चीजें नोट नहीं करनी और साथ ही साथ क्वेश्चन को मेरे साथ पैडरली सॉल्व करना है तो तैयार हो क्वेश्चंस को साथ में सॉल्व करोगे भाई या तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आई होप सभी भाई लोग अपने कनेक्ट हो चुके हैं और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स जिनको ये डाउट हो सकता है कि सर इससे प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं लाइक एम या कैपेसिटर वो चैप्टर्स अगर मैंने नहीं पढ़े हुए हैं तो क्या ये मुझे चैप्टर समझ में आ जाएगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर आपको उस चैप्टर में थोड़ा बहुत आइडिया है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से बाहर आती हैं साउथ पोल से एंटर होती हैं थोड़ा बहुत बेसिक अगर आइडिया आपको है तो आपको इस चैप्टर को समझने में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी ठीक है भाई तो चलिए स्टार्ट किया जाए ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज के इस सेशन में अपन लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं किस सीक्वेंस में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वो सारा आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं जिससे आपको एक आइडिया रहे इस सेशन में क्या कवर होने वाला है और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो पूरा एंड तक अटेंड करिएगा जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं मिड में सेशन आप छोड़ करके मत जाइएगा अगर आपका ऐसा कुछ प्लान है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अभी सेशन को छोड़ करके जा सकते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि आपको इस सेशन का बेनिफिट तभी मिल सकता है जब आप इस सेशन को अप टू द एंड कवर करेंगे ठीक पहले मैं यहां पर कवर करूंगा बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन फिर उसके बाद बात होगी फेराडाइज लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ एंड लेंज लॉन वी विल कवर दर्चा होगी इंडियलेक्ट्रिक फील्डेंस म्यूचुअलेश मैं कह सकता हूं ये वो टॉपिक्स हैं जो हम इस सेशन में कवर करेंगे देखते हैं कि आज के सेशन में हम कहा तक पहुंच पाते हैं जहां तक आप लोग मेरे साथ मैदान में टिके रहेंगे वहां तक आज सेशन कवर करेंगे और बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स को कल रात को फिर से नौ बजे सेशन रखेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स को कल नेक्स्ट सेशन में कवरअप करेंगे ओके चलिए स्टार्ट करें भाई कश्यप साहब तैयार हो आईआईटी दिल्ली सर ड्रॉपर बैच कब स्टार्ट हो रहा है बेटा ये अभी सही वक्त नहीं है बैच कब स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग ऑफिस में जाकर के पूछो अभी अपन को ई एम पढ़ाने दो आई दिल्ली भैया तो भैया सभी लोग रेडी हैं हम सब ओके चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए मैं आपको सबसे पहले एक आइडिया दे देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सन 1820 के एक साइंटिस्ट है के उन्होंने कुछ अपने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि एक मूविंग चार्ज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है क्या क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइनटीन सेंचुरी से पहले लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिनाज को दो डिफरेंट सेपरेट फिनोमिनाज की तरह पढ़ते थे उन्हें लगता था कि इन दोनों फिनोमिनाज का आपस में कोई लिंक नहीं है जब 1820 में ऑस्टेड ने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया और जिसमें उन्होंने ये बताया कि नहीं नहीं एक मूविंग चार्ज या हम कह सकते हैं करेंट कैरिंग वायर अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है इसके बाद नाइनटीन सेंचुरी में पैराडे वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसके दौरान उन्होंने किब्जर्वेशन देखी और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कहा कि इसका रिवर्स भी पॉसिबल है इसका रिवर्स कैसे मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड भी अपने सराउंडिंग में किसी गिवन कॉइल के अंदर करेंट प्रोड्यूस कर सकता है मतलब फेराडे जो है

हमें एक बैटरी चाहिए मतलब अगर आपको सर्किट में अपना बल्ब जलाना है कॉन्कर टू कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि भैया अगर बल्ब जलाना है तो बैटरी लगानी पड़ेगी लेकिन फेराडे ने एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन लेकर के आया उन्होंने बताया कि भैया आज तुम्हें अपने सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए या अपने बल्ब को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं ये जो ई है जो एक बैटरी डेवलप कर रही है इट मे बी पॉसिबल कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है फेराडे अपने लैब में ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तुक्के में कभी कभी होता है ना कि कुछ करने की कुछ और कोशिश थी लेकिन कुछ और करते करते कुछ और खोज हो गई ऐसा ही कुछ फेराडे के साथ हुआ ऐसा कुछ किताबों में लिखा हुआ है रियल फैक्ट्स क्या हैं? वो तो हमें भी नहीं पता कि फेराडे बहुत देर से एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें बहुत लंबे समय से उनका रिजल्ट नहीं आया तो उन्हें एकदम से गुस्सा आ गई और उनके हाथ में एक बार मैग्नेट थी उनके हाथ में क्या थी एक बार मैग्नेट थी और उन्होंने उस बार मैग्नेट को उठा के गुस्से में फेंक के मार दिया पता एकदम से क्या हुआ जब उन्होंने उस बार मैग्नेट को फेंक के मारा तो बगल में ही एक वहां पर कॉइल रखा हुआ था यह कॉइल किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था ये नॉर्मली कॉइल रखा हुआ था लेकिन यह कॉइल एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था और ऑब्जर्व किया गया कि इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन शो हुआ सोचिए यहां से ई एम आई इंडक्शन मतलब एक करंट इंड्यूस हुआ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिर इसके बाद फेराडे ने अपने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए उनके बेसिस पे कुछ ऑब्जरवेशंस निकाले और फिर उन्होंने उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकाले लेकिन फेराडे लॉ को समझने से पहले हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन को समझना जरूरी होगा इसलिए मैं अपनी चर्चा स्टार्ट करूंगा किससे मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेशन से मतलब मैं इस चैप्टर में अभी थोड़ा सा डेविएट हो रहा हूँ भाई क्यों हो रहा हूँ सुन लेना क्योंकि फेराडे लॉ तभी समझ आएगी जब आपको मैग्नेटिक फ्लक्स पता होगा ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हो इससे पहले भी कर चुके हो कब किए थे इससे पहले रोटेशन पढ़े थे रोटेशन में जब कोई बॉडी फिक्स के रोटेट करती थी तो शायद आप लोगों को याद होगा वहां पर आपको पता चला था कि एम की कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो हम उस चैप्टर में थोड़ा सा पॉज लिया और फिर हमने एमओ की कैलकुलेशंस को सीखा और उसके बाद वापस से फिर चैप्टर में लौट करके वापस आए और फिर हमने टॉर्क एंगुलर मोमेंटम जैसी नई नई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा एग्जैक्टली exactly, वैसा ही सिनेरियो यहां भी होने वाला है तो सभी लोग तैयार हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए अच्छा कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि भैया उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा आइडिया है अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है तो आप क्या बताते हैं आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉट नंबर ऑफ फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू द गिवन एरिया

आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं सबसे पहले उसकी चर्चा करूंगा जैसे कि मान लीजिए आपके पास यहां पर सरफेस है ठीक है या आपके पास कोई भी एक सरफेस दी हुई है इस सरफेस को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और मुझसे पूछा जाए कि इस सरफेस से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस करेगा तो देखेगा यहां पर मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया निगाहें स्क्रीन पर रहनी चाहिए भैया फोकस करेगा ध्यान से यहां पर मैंने एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लिया क्या ये आपको दिखाई दे रहा है

और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है तो इस छोटे से एरिया से जाने वाले फ्लक्स को पता है क्या लिखेंगे इस छोटे से एरिया से जाने वाले इस फ्लक्स को मैं यहां पर इस तरीके से लिखूंगा बी वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर यह क्या है दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया जिन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे बस एक छोटा सा थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है वहां पर ई e आया करता था इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर रिप्लेस करके अपन ने बी लिख दिया है मतलब बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स अब सुनेगा यहां पर इसी तरीके से हर छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स जाएगा और हर छोटे छोटे एरिया से जो फ्लक्स जाएगा उसका अगर मैं समेशन करते चले जाऊं तो क्या मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा अच्छा एक बात बताइएगा ये आपके सामने जो मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाई दे रहा है जो आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी कितने लोग हैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन इन दोनों का डॉट किया हुआ है और आप देख पा रहे हैं दिस इज अ स्केलर डॉट प्रोडक्ट और अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का स्केलर डॉट प्रोडक्ट कर दिया गया तो जरा गौर फरमाइएगा बेटा ये जल्दी से बताना क्या ये क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है दिस इज क्वांटिटी अगर कोई आपसे पूछ लेना भैया मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन बता दो तो चमका देना मैग्नेटिक फ्लक्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ठीक है अब इस पूरे सरफेस से अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का मतलब है क्या मैं इस एक्सप्रेशन को भाई इंटीग्रेट कर दू और मैं यहां पर इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं बी वैक्टर डॉट डी एक्टर सबसे पहले पहला फॉर्मूला लिखते जाइएगा सारे फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज अ जनरल फॉर्मूला जो कि हमेशा वैलिड होगा अगर आप यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अब सुनिएगा मैं यहां पर एक बहुत ही स्पेशल केस बताता हूं आपको उसमें स्पेशल क्या है सुनिए अगर स्पेस में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ स्पेशल केस क्या सुनिएगा मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या हुआ यूनिफॉर्म ठीक है भाई यूनिफॉर्म का मतलब समझते बताओ क्या होता है कितने लोग बताएंगे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या यह होता है कि टाइम के साथ कोई चीज चेंज नहीं हो रही है या कुछ और होता है जरा देख लेते हैं लोगों की नॉलेज अनुज कुमार प्रणाम जय हिंद भाई क्या हाल चाल बताओ यूनिफॉर्म का मतलब क्या है क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो मैं इसे यूनिफॉर्म बोल सकता हूं क्या नहीं बेटा यूनिफॉर्म जो वर्ड है ना वो विद रेस्पेक्ट तो स्पेस यूज किया जाता है अगर स्पेस में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर सेम है तो हम कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है पहले तो इस बात को समझो लोगों को पता है यूनिफॉर्म कांस्टेंट इन चीजों में डिफरेंस ही नहीं पता होते अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब यह हुआ कि स्पेस में हर जगह किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी तो इस केस की स्पेशलिटी क्या है सुनना अगर बी यूनिफॉर्म है और आपका जो भी सरफेस है जिससे आप फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो क्या कर रहे हो फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हो वो सरफेस आपके पास कैसा है प्लेनर है सरफेस इज प्लेनर अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर जाती हैं देखिए अगर बेटा आपके सामने सरफेस प्लेनर हुआ तो ये बात समझ में आ रही होगी कि हर डी एक्टर के लिए जो एरिया वेक्टर निकल आएगा आएगा वो सेम ही आएगा। यस और नो मतलब मैं एक प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ सरफेस के परपेंडिकुलर और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है स्पेस में हर जगह तो पता है अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर जाए लोग पता है सिर्फ ये बोलते हैं कि बी यूनिफॉर्म होना चाहिए लेकिन नहीं बी यूनिफॉर्म होना चाहिए और सरफेस भी प्लेनर होनी चाहिए अगर ऐसा हुआ तो ये फॉर्मूला बदल करके आपके लिए बन जाएगा पता है क्या बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर मतलब आप यहां पर इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस्टिटा ठीक है भाई क्या लिख सकते हैं बी ए कॉस्टिटा और थीटा बताओ जल्दी से क्या है थीटा क्या है थीटा है एंगल किसके बीच में बिटवीन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर जो लोग टोपा लगा करके बैठे हुए हैं ना रजाई में बेटा टोपा उतार दो आवाज नहीं जाएगी कानों में नज़रें स्क्रीन पे होना चाहिए टोपा उतार के कान एकदम से सतर करके बैठो हर एक एक बात ध्यान से सुननी है क्या एक बात बताओ क्या हम फ्लक्स बी डॉट ए डिफाइन करेंगे नहीं फ्लक्स की जनरल डेफिनेशन ये है लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब ये दोनों कंडीशन एक साथ लगेंगी ठीक है यहां तक समझ में आया दिस इज वॉट एंगल बिटवीन बी एंड ए वैक्टर जैसा कि इस डायग्राम से देख के भी समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ेंगे भाई ऑल इज सेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यहां तक समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक सवाल आपके सामने यहां पे स्क्रीन पे आ चुका है आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द गिवन लूप जरा ऑब्जर्व करिए क्या आपको यहां एक रेक्टेंगुलर लूप दिखाई दे रहा है बेटा इसकी लेंथ और विड्थ आपको दी हुई है ये रेक्टेंगुलर लूप आपका वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है किसमें रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है ठीक है बहुत बढ़िया आपसे यहां पे तीन सवाल पूछे गए तीन अलग अलग सवाल हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड ये होता थ्री आई कैप्लस फोर जे कैप पहला सवाल अगर मैग्नेटिक फील्ड टू वाई आई कैप होता और तीसरा सवाल अगर मैग्नेटिक फील्ड टू वाई टी आई कैप होता तो आपको इन तीनों सवाल में ये बताना है कि वॉट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स सवाल को सॉल्व तो हम बाद में करेंगे मुझे एक पहला ये बात बताओ कि पहला वाला जो फील्ड आप देख पा रहे हो ये वाला फील्ड ये कैसा फील्ड है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है क्या ये फील्ड यूनिफॉर्म है क्या स्पेस में हर जगह इस फील्ड की वैल्यू सेम है या नहीं है बहुत बढ़िया दूसरा ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है देखिए दो अलग अलग सवाल हैं सुन लीजिएगा ध्यान से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं लोग यहां पर इन बातों को नहीं समझते हैं ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर अभी हम ध्यान नहीं देते फिर आगे जाकर के हमारे सामने बहुत बड़े बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं सुनना ध्यान से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये चीज यूज की जाती है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस कि स्पेस में हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है या नहीं है और जब आप बात करते हैं कांस्टेंट की या फिर वेरिएबल की तो ये चर्चा होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक पहले पहले इस बात को समझो तो पहला वाला फील्ड अगर आपसे कोई पूछे ये कैसा फील्ड है तो मैं कहूंगा यूनिफॉर्म भी है और कांस्टेंट भी है मतलब मेरे को यहां पे ये समझ में आ रहा है इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म और साथ ही साथ कांस्टेंट। यस और दूसरा वाला फील्ड कैसा है? दूसरा वाला वैल्यू अलग अलग आएगी तो स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर यह वैल्यू अलग अलग होगी तो मैं कहूंगा कि ये वाला फील्ड जो है ना वो नॉन यूनिफॉर्म है ये बात तो सही है लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करना क्या ये फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है क्या नहीं टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा तो आप इसे नॉन यूनिफॉर्म तो बोलोगे लेकिन साथ ही साथ इसको क्या बोलोगे ये फील्ड कॉन्स्टेंट है बेटा इस बात को समझो लोग कहते हैं ये वेरिएबल फील्ड है ये बहुत गलती कर रहे हैं ये वेरिएबल नहीं है ये कॉन्स्टेंट फील्ड है क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा ये स्पेस के साथ चेंज हो रहा है क्या ये बात समझ आई आप लोगों को अच्छा जल्दी से बताइएगा ये तीसरा वाला फील्ड कैसा है यहाँ पे स्लैश नहीं लगाना चाहिए मुझे मतलब ऐसे बोलना चाहिए यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट तीसरे वाले के बारे में आपका क्या कहना है देखो भाई स्पेस के साथ भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है क्या कहेंगे इसके बारे में बहुत बढ़िया शानदार समझ पा रहे हैं आप लोग नॉन यूनिफॉर्म भी है और साथ ही साथ ये वेरिएबल फील्ड भी है बेटा जल्दी बताओ क्या ये तुम्हें इन टर्म का डिफरेंस समझ में आया हिंदुस्तान में पिचानवे परसेंट लोगों को लगता है यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है क्या तुम्हें भी आज के बाद यही लगेगा क्या अगर तुम्हारा दोस्त इस तरीके के मजाक आपके सामने करेगा क्या उसे चमका दोगे यूनिफॉर्म और कांस्टेंट में डिफरेंस समझ में आ गया बहुत बढ़िया और आप जब यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो फ्लक्स में हम यहाँ पे जरा ध्यान से देखना बी डॉट डी ए कर रहे होते हो तो ये टाइम इंटीग्रल नहीं है ये स्पेस इंटीग्रल है सर, ये क्या बोला आपने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है भाई

चलिए भाई क्या ये क्लियर हो चुका है अब आते हैं आंसर निकालने पे मुझे जल्दी से बताएगा पहला वाला सवाल जब हमें सॉल्व करना है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप क्या मैं कह सकता हूं इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या लिखोगे जल्दी से बताना यह है थ्री ये है फोर तीन चौक बारह देखो बारह तो आ गया मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आई कैप ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी कि ट्वेल्व आई कैप विल बी द एरिया वैक्टर ठीक है तो पहले वाले केस में ए पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका होगा बी वैक्टर डॉट एरिया वैक्टर यस और नो क्या बी डॉट ए होगा तो देखिए यहां पर आपके सामने बी की वैल्यू है थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप और इसका डॉट आपने कर दिया किसके साथ ट्वेल्व के साथ तो कितना आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया आंसर बता चुके हैं कृष्णा ने तो आंसर बता भी दिया आनंद आ गया भाई थर्टी सिक्स कितना थर्टी सिक्स यूनिट लिखना चाहते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे इसकी यूनिट होती है टेस्ला एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर तो इसकी यूनिट आ जाएगी टेस्ला मीटर स्क्वायर ठीक है भाई ये हो गया ए पार्ट नाउ कम टू द बी पार्ट बी पार्ट में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो आपका फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आप बी डॉट ए नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पे अलग अलग पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू सेम आएगी अलग अलग आएगी तो उसको करने का तरीका क्या होगा यहां से बेटे क्या करोगे जल्दी बताओ कौन बताएगा देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लूंगा एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एक्स नहीं सॉरी वाई डिस्टेंस पर जाके एक हॉर्जोंटल स्ट्रिप कंसिडर करेंगे डी वाई यस और नो हॉर्जोंटल स्ट्रिप कंसिडर क्यों की क्योंकि इस हॉर्जोंटल स्ट्रिप के हर पॉइंट का बी सेम होगा क्योंकि वहां का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेम होगा यस और नो तो मैं यहां पर अगर आपसे पूछूं इस छोटी सी स्ट्रिप से जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू बता दीजिए छोटी सी स्ट्रिप से जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू बता दीजिए तो आप लिखेंगे टू वाई इंटू एरिया एरिया बताओ इसका इसकी विर्थ तुम्हें दिखाई दे रही है dy है और तुम ये देख पा रहे हो चार मीटर है. देखना ध्यान से ये चार मीटर है विर्थ dy है क्या मैं इसको 4 इंटू डी कर दूं और इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आ गया 4 इंटू एट इंटीग्रल ऑफ बेटे वाई इंटू लिमिट लगेगी जीरो से थ्री जीरो से थ्री कितना आ रहा है आंसर एट दैट इज फोर इंटू वाई स्क्वायर दैट इज नाइन मेरे हिसाब से यहां पर आंसर आपका कितना आ जाता है कितना आ रहा है भाई क्या इस बार भी थर्टी सिक्स ही आ रहा है टू वाई हाँ भाई बहुत बढ़िया सोच रहे हो आंसर बताओ आंसर मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें खुद सॉल्व करना है बहुत बढ़िया सेम ही आंसर आ रहा है थर्टी सिक्स कुछ लोग क्यों बता रहे थे चलिए ठीक है सी पार्ट पर आते हैं देखिए सी पार्ट में भी आप इसी तरीके से अप्रोच करेंगे डी फाइव इक्व टू वहां भी इसी तरीके से लिखेंगे टू वाई टी इंटू फोर इंटू डी वाई

Well. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। बहुत बढ़िया अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है There is a wire of infinite length. एक वायर और इस वायर में जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है ठीक है आपको शायद ये पता होगा जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देता हूं कि इस वायर से अगर आप आर डिस्टेंस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है नॉट आई अपॉन जल्दी बताइए कि इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड कितना आता है नॉट आई अपॉन टू पायर बहुत बढ़िया क्या ये सभी को याद है बहुत सही अब आप एक बात बताइए कि यहां पे ये वायर रखा है और ये रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है ठीक है रेक्टेंगुलर लूप नहीं है स्क्वायर लूप है ये लीजिए स्क्वायर मान लीजिए आप इसकी जो साइड लेंथ है वो बी है आपसे इससे फ्लक्स पूछा जा रहा है एक बात बताना इस वायर की वजह से जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है इसकी वजह से जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है इसकी वजह से फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये आर का फंक्शन आ रहा है तो आपको यहां पर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा लेकिन वो एलिमेंट इस तरीके से लीजिए कि उस एलिमेंट के हर एक पॉइंट पे बी की वैल्यू सेम रहे मानते हो इस बात को या शॉर्ट तो यहां से आठ डिस्टेंस पे जाके बेटे अपन ने एक यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर कर ली ठीक और मान लेते हैं कि इसकी विर्थ कितनी है डी तो इस छोटी सी स्ट्रिप से जाने वाले फ्लक्स की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे अगर मैं यहां पर फ्लक्स की वैल्यू डी फाई लिखूंगा तो डी फाई की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। ये तो बी हो गया मल्टीप्लाइड बाय एरिया इसका एरिया कितना आएगा विर्थ है है विर और ये है लेंथ बी तो इसका एरिया मैं यहां पर क्या बी इंटू डी आर लिख सकता हूं और मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना है इंटीग्रेट करना इंटीग्रेशन की लिमिट लगेगी आर की बताओ आर कहां से कहां कवर करना है यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा आर की वैल्यू ए है और यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा आर की वैल्यू ए प्लस बी है यस और नो तो यहां पे जो टर्म है उनको बाहर निकाल लेते हैं म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई बी इंटीग्रेट करना है डी आर आर इस एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना है लिमिट जाएगी ए प्लस बी से लेकर के ए तक क्या ये सभी को समझ आया बहुत बढ़िया कृष्णा ने तो आंसर भी बता दिया ग्रेट तो यहां से फ्लक्स हमारे पास आएगा म्यू नॉट आई बी डिवाइडेड बाय टू पाई एल एन ऑफ ए प्लस बी डिडेड कितने भाई बंधु हैं जिनको ये बात समझ आ रही है कि कब हमें इंटीग्रेट करना है कब इंटीग्रेट नहीं करना है क्या ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आया यहां इंटीग्रेट क्यों किया क्या ये समझ में आया क्योंकि एक वायर की वजह से जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म था या नॉन यूनिफॉर्म था बहुत बढ़िया माहौल सेट ऑल ऑफ यू आर रेडी क्या अगले सवाल की तरफ बढ़े बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आगे जाकर के म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी आपको कई बार यूज होगा क्वेश्चन को पढ़ें जल्दी से फटाफट यहां पर आपको कुछ दिया हुआ है आपके पास दो सर्कुलर लूप है कॉन्सेंट्रेट है प्लेनर है एक का रेडियस है ए दूसरे का रेडियस है बी और यहां पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे होगे जो नंबर ऑफ टर्न्स वो बाहर वाले में है एन वन और अंदर वाले में है N2. साथ साथ ही एक इंफॉर्मेशन और दी हुई आपको कि बेटे जो ए की वैल्यू है ना वो बी के कंपेरिजन में बहुत छोटी है मतलब जो लूप है ना छोटा वाला उसका रेडियस बहुत कम है मतलब इस तरीके से फील कर सकते हो जैसे मान लो उसका रेडियस एक कम एम और बड़े वाले का जो रेडियस है वो मान लो एक मीटर तो यार एक, मीटर, एक के में तो बहुत हो गया ना। कुछ लोग बराबर एक ही तो हुआ अबो एक एम एम और एक मीटर की बात चल रही है हजार गुना ज्यादा हो गया ये सिचुएशन है तुम्हारे सामने और आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर अगर बाहर वाले सर्किट में करंट आई जा रहा है इस वाले सर्किट में करंट आई जा रहा है तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर लूप सवाल बताइए आंसर बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा मैं बिल्कुल उसी प्रोफाइल के क्वेश्चन करा रहा हूं जिस प्रोफाइल के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पी क्यूज में देखने को मिलेंगे मुझे जल्दी से एक बात बताइएगा क्या मैं इस बड़े वाले की वजह से फील्ड लिख सकता हूं सेंटर पे फील्ड बताओ फील्ड कितना आएगा मू नॉट आई अपॉन टू आर और टू आर आर की वैल्यू होगी बी या लेकिन ये तो एक लूप की वजह से लेकिन यहां पर टोटल नंबर ऑफ लूप कितने हैं एन वन है तो यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा एन वन का लेकिन एक बात बताना जब तुमने खुद ही बोल दिया कि यार इसका रेडियस इससे ज्यादा है तो मैं इसको एक पॉइंट मान सकता हूं अगर मैं इसको एक पॉइंट मानता हूं तो मैं यहां पर यह मान सकता हूं ऑलमोस्ट यहां पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी सेम होगी तभी तो ये अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है क्योंकि आपको एक कॉइल की वजह से सेंटर पर फील्ड निकालना आता है आर्बिटेरी सरफेस पे किसी भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना नहीं आता तो जब तुम यहां पे फ्लक्स लिखोगे ना फ्लक्स तो आप यहां पे फ्लक्स ये मानते हुए लिखोगे क्योंकि ये बी यूनिफॉर्म है तो पता यहां क्या लिखोगे म्यू नॉट आई अपॉन टू बी ध्यान से सुनिएगा निगाह स्क्रीन पर मल्टीप्लाइड बाय एन वन ये तो हो गया फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया किसका एरिया कॉइल का लेकिन याद रखना उसका एरिया नहीं है जिसका फील्ड है फील्ड बाहर वाले का है और एरिया अंदर वाले का होगा क्योंकि हमें फ्लक्स किससे निकालना है स्मॉलर लूप से निकालना है तो उसका एरिया क्या लिखोगे यहाँ पे पाई मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर लेकिन ध्यान से सुनना ये जो तुमने लिखा है ना ये आंसर सही नहीं है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं हम जब भी फ्लक्स निकालते हैं ना तो फ्लक्स लिंक थ्रू द लूप निकालते हैं ये जो आपने कैलकुलेट किया है ना इतना फ्लक्स एक लूप से लिंक होगा लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑब्जर्व करो अंदर वाले में कितने हैं अंदर वाले में टोटल नंबर ऑफ टर्न एन टू है तो पता है नंबर ऑफ टर्न की भी इंपॉर्टेंस रखी जाती है तो यहां पे पता है एन टू का भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दिस इज द टोटल फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दिस इज द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉलर कॉइल समझ में आया बात अब आप कहेंगे कि सर नंबर ऑफ टर्न्स का क्यों मल्टीप्लाई किया देखो भैया फिजिक्स में हर चीज डिफाइन करने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन है लॉजिक है या नहीं है बताओ भाई जब हम फिजिक्स में कोई भी चीज डिफाइन करते हैं तो लॉजिक है हम ये फ्लक्स को क्यों डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमें फेराडे लॉ पढ़नी है जहां पे हम इंड्यूस ईएमएफ पढ़ेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ जब निकालेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ हर कॉइल में होगा तो एक कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और वहां पे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो हर ए, लूप में ईएमएफ आएगा तो वहां पे एन टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिल्कुल रामकृष्ण पूछ रहे हैं सर पीवाई क्यू सॉल्व कराएंगे क्या बिल्कुल कराऊंगा बेटा कराऊंगा अभी रुक जाओ थोड़ा सा आगे तो बढ़ने दो क्या ये बात समझ में आई इस अप्रोक्सीमेशन का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं तो ये था फ्लक्स की कैलकुलेशन आई होप सो so, कि आपको फ्लक्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी अब हम आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पर अब आते हैं जहां से हमने अपनी शुरुआत करी थी फेराडे लॉ ऑफ ई एम आई ठीक है भाई देखिएगा ध्यान से फेराडे के दो लॉ हैं। फेराडे का पहला लॉ क्या कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक थ्रू द कंडक्टिंग अगर मैग्नेटिक फ्लक्सेंट टू टाइम तो उस लूप में एक ई एम एफ डेवलप होता है जिसे हम इंड्यूस ई एम एफ कहते हैं क्या बोला सुनेगा Faraday का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अगर आपके पास कोई भी लूप है और उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है अब बताना यार फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हो अभी तुमने पढ़ा था फ्लक्स का एक्सप्रेशन तुमने अभी लिखा था ना इंटीग्रल बी डॉट डी इस एक्सप्रेशन को तुम इस तरीके से लिख सकते हो इंटीग्रल बी डी कॉस थीटा फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके हो सकते हैं या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए या आप किसको चेंज करिए एरिया ऑफ अ कॉइल को चेंज करिए या फिर बी और एरिया के बीच में जो एंगल है उसको चेंज करिए मतलब इन तीनों में से कोई भी एक इवेंट हो रहा है या एक साथ ये तीनों इवेंट हो रहे हैं मतलब मुद्दे की बात ये है कि उस गिवन लूप से फ्लक्स चेंज होना चाहिए तो फेराडे कहते हैं कि उस गिवन लूप में ई आएगा क्या आएगा ई सोच रहे हो आज से पहले तुम बैटरी की वजह से ई लाते थे लेकिन यहां पर ई एम एफ होने का कोई और रीजन है मैं अभी रीजन की बात नहीं कर रहा हूं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि ऐसा होगा सेकेंड लॉ क्या कहता है इसका द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ई एम एफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लैक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम पासिंग थ्रू दैट लुक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मतलब यहां पे जो ई एम एफ इंड्यूज होगा ना अगर आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड होगा डी फाइव बाई डी टी ये मतलब अगर आप ई एम एफ किसी भी गिवन लूप में निकालना चाहते हैं ना तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए आपको उसके लिए उस गिवन लूप से फ्लक्स किसी भी जनरल टाइम टी पर निकाल लेना चाहिए मतलब मुद्दे की बात क्या है किसी भी जनरल टाइम टी पर आप फ्लक्स कैलकुलेट करिए मतलब फ्लक्स जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा आपके पास और इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उस गिवन लूप में कितना ई इंड्यूस हुआ है मेरी बात समझ आ रही है भाइयों मतलब कहना क्या चाह रहा है फेराडे सुनिएगा गौर फरमाइएगा निगाहें स्क्रीन पर रखिएगा मान लीजिए ये तुम्हारे पास कोई लूप है ठीक और इस लूप में तुमने मान लो यहां पर एक बल्ब लगा दिया क्या लगा दिया बल्ब और इसे यहां पर एक फील्ड में रखा गया है और सपोज मान लो बेटा वो फील्ड अंदर की तरफ है ये फील्ड पूरे इलाके में यूनिफॉर्म है लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इस फील्ड की वैल्यू टेंटी दी हुई है इस फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है टेंटी मैं यहां पर यह कह सकता हूं ये फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म तो है स्पेस में लेकिन वेरिएबल है क्योंकि टाइम के साथ क्या हो रहा है चेंज हो रहा है मुझे एक बात बताना यहां पर अगर आपने इस कॉइल को रख दिया तो क्या इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि आप बी को चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स अगर चेंज होगा ना तो फेराडे क्या कहता है कि इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की वजह से अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ और ये कॉइल अगर क्लोज है ना तो इसमें करंट चलने लगेगा मतलब समझ में आ रहा है यहां पर एक वर्चुअल बैटरी भी है लाइक मिस्टर इंडिया वो बैटरी कहां पर है किसी को नहीं पता लेकिन हाँ ये तय है कि इस लूप में ई इंड्यूस हो जाएगा और उस बैटरी का जो ई है ना वो यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे फेरा से पूछा गया ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उस ई का कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा अरे भैया ये बताओ कि इस कॉइल में जब करंट चलेगा तो करंट क्लॉकवाइज चलेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो फेराडे ने कहा कि भैया ऐसा है इतना बता दिया ना बस बहुत है क्या सारे आंसर मैं ही बताऊं क्या तुम्हें इट इज जस्ट अ जोक मतलब मुद्दे की बात यह है कि फेराडे ये नहीं बता पाया कि वॉट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ इंड्यूस्ड मतलब फेराडे को यह पता था कि बल्ब जलेगा क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो होगा लेकिन करंट का डायरेक्शन या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ये नहीं पता था मतलब फेराडे को यह पता था कि इस पूरे लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ है लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात है अगला सवाल फेरा से पूछा गया भाई साहब ये ई जो इंड्यूज हुआ है वो कहाँ पर हुआ है उसने कहा ऐसा है इस पूरे लूप में इंड्यूज हुआ है मैं सिर्फ इतना जवाब दे रहा हूं इसके बाद मुझसे आगे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा अच्छा फिर इसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और फिर मुलाकात हुई एक नई लॉ से एंड दैट इज लेंज लॉ लेंज लॉ आपको बताता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ई

फ्लक्स का चेंज होना अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ई e आएगा और ये उस कॉज को अपोज करेगा इसलिए यहां पर यह नेगेटिव साइन लगाया गया मतलब ये नेगेटिव साइन में जो कंट्रीब्यूशन है ना वो लेंज लॉ का कंट्रीब्यूशन है क्योंकि अपोज कर रहा है और डी फाइवा में ये कंट्रीब्यूशन जो है वो फेराडे लॉ का कंट्रीब्यूशन है और इस पूरे कंबाइंड इक्वेशन को बोल सकता हूं फेराडे प्लस लेंज लॉ लेंज लॉ का स्टेटमेंट शुद्ध हिंदी भाषा में समझना चाहोगे ये कह रहा है कि करंट किसकी वजह से आया फ्लक्स की वजह से या फ्लक्स के चेंज होने की वजह से फ्लक्स की वजह से या फ्लक्स के चेंज होने की वजह से मुझे ये बताओ फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आया यस और नो बहुत बढ़िया तो ये कह रहा है जिसने इसे उत्पन्न किया है ये उसी का विनाश करेगा क्या डायलॉग है समझ में आया उत्पन्न किसने किया फ्लक्स के चेंज ने तो यहां पे करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि ये उस चेंज का अपोज करेगा मतलब मैं ये कह सकता हूं अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट इस तरीके से आएगा कि उसको घटाने की कोशिश करेगा और अगर फ्लक्स घट रहा है तो करंट इस तरीके से आएगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा यहां पे आपके सामने कई बार इस तरीके के सवाल आएंगे जहां पर आपसे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट पूछा जाएगा

और आप कह रहे हो किधर है मतलब आप डायरेक्शन की बात करो किधर है का मतलब है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है यहां पर एकदम से फैंटम बनने की जरूरत नहीं है अगर मैं बोल रहा हूं फ्लक्स किधर है तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ वॉट इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है किधर है और अगला सवाल कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है मतलब मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है ये दो सवाल आपको पूछने हैं किधर है और क्या हो रहा है और जो भी हो रहा है उसका अपोज करेगा क्योंकि डायलॉग अपन को याद है जिसने इसे उत्पन्न किया है किसने उसे उत्पन्न किया है यहां पर करंट जो इंड्यूस होगा वो किसकी वजह से होगा फ्लक्स की वजह से या फ्लक्स के चेंज की वजह से फ्लक्स के चेंज की वजह से देखिएगा ध्यान से लाइन पड़ी एक -एक लाइन इंपॉर्टेंट है तो चेंज का अपोज करेगा जैसे एक सवाल कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया भाई बढ़िया माहौल सेट ऑल इज सेट जैसे कि ध्यान से देखना एक सवाल आपके सामने यहां पे स्क्रीन पर एक सवाल समझाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहां पर देखेगा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस बना हुआ है क्रॉस का मतलब समझ में आता है क्रॉस का इन साइड द प्लेन मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस समय इन द प्लेन है ये जो एरो बना हुआ है ना ऊपर की तरफ ये ये बता रहा है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड जो है अंदर की तरफ वो वक्त के साथ इंक्रीज कर रहा है ये क्या कर रहा है मेरे भाई इंक्रीज कर रहा है मुझे एक जल्दी से बात बताना क्या इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा फेराडे लॉ को याद करो अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ई एम एफ इंड्यूज होगा और अगर ई एम एफ इंड्यूज हुआ तो इसमें करंट जाएगा तो पता है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट हम यहाँ पे जितने भी सवाल सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें क्या फाइंड करना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज करंट हम यहाँ पर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे मेरे भाई कैसे करेंगे मुझे जल्दी से बताओ अगर मैंने पहला सवाल स्टेप नंबर वन फ्लक्स इस तरीके से इंड्यूस होना चाहिए कि उसके चेंज का अपोज करे तो अब आप सोचिए कि अगर यहाँ पे करंट इस तरीके से आता क्लॉकवाइज तो अगर क्लॉकवाइज करंट होता तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आता अंदर की तरफ आता तो पहले से फ्लक्स अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है और तुम्हारा अगर करंट क्लॉकवाइज आएगा तो उसकी वजह से भी तो अंदर आएगा ना तो उसको सपोर्ट करेगा तो सपोर्ट कराना है या अपोज कराना है अपोज कराना है तो बताओ यहां पर करंट कैसे आएगा बहुत बढ़िया एंटी क्लॉकवाइज आएगा कैसे किया समझ में आया क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अब करंट आएगा तो इसकी वजह से जो फील्ड है वो बाहर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ आएगा तो फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा बहुत बढ़िया समझ में आया अगला सवाल देखना यहां पर बी पार्ट यहां पे देखिए फील्ड किधर है बाहर की तरफ है इंड्यूस करंट क्या चाहता है उसके जीवन की चाहत क्या है उसके जीवन की चाहत है कि भैया फ्लक्स को चेंज मत करो सिंपल सी बात है अगर चेंज करोगे तो हम उसका विरोध करेंगे तुम घटाओगे तो हम बढ़ाएंगे और तुम बढ़ाओगे तो हम उसे घटाएंगे सिंपल जवंडा भाई यहां पर जल्दी से बताना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट क्या आएगा तुम ऑब्जर्व करो फटाफट फील्ड किधर है डॉट बना हुआ है बाहर की तरफ है आउट ऑफ द प्लेन और यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है यहाँ पे जो आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है क्या ये डिक्रीज कर रहा है तो मैं कहूंगा फ्लक्स किधर है बाहर आउट ऑफ द प्लेन क्या हो रहा है घट रहा है तो करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि उसको बढ़ाएगा मतलब बाहर की तरफ मुझे फ्लक्स को बढ़ाना है शायद तुम्हें समझ आ गया होगा क्या इस बार भी तुम्हारा आंसर एंटी क्लॉकवाइज आएगा बहुत बढ़िया समझ में आ गया तो वन टाइप करें नहीं समझ में आया तो टू टाइप करें फटाफट बाय बाय माहौल सेट है एकदम इस बार भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा क्योंकि तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि बाहर की तरफ फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा ठीक है बहुत बढ़िया समझ आ चुका है ग्रेट अब देखेगा यहां पर इस प्रोफाइल के क्वेश्चन आपने देखे होंगे डेफिनेटली देखे होंगे का जो एक्सपेरिमेंट है वो कहीं ना कहीं इसी से कनेक्टेड था यहां पर आपके सामने ये एक बार मैग्नेट है और ये आपके पास एक कॉइल है देखना ये कॉइल क्या है फिक्स है ये कॉइल फिक्स्ड है ठीक है भाई <coughs> ये कॉइल फिक्स है निगाहें आपकी यहां पर हैं इस बार मैग्नेट को आप देखिए राइट वर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्या आपको वेलोसिटी दिखाई दे रही है ऑब्जर्व करिए ये वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है इधर है एक बात बताइएगा जब ये बार मैग्नेट पास में मूव करेगा या इस बार मैग्नेट इस कॉल से दूर जाएगा तो क्या इस कॉयल से फ्लक्स चेंज होगा और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ई एम एफ इंड्यूज़ होगा ई एम एफ इंड्यूज़ होगा तो उसकी वजह से करेंट आएगा यस और नो तो जल्दी से बताइएगा भाई फटाफट जल्दी से मुझे एक बात बताइएगा इसमें व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दो सवाल किधर है किधर है जल्दी देखो फील्ड किधर है इस डायरेक्शन में है और जब ये बार मैग्नेट पास में आएगी तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फील्ड इस डायरेक्शन में है लेकिन वक्त के साथ इंक्रीज कर रहा है तो तुम्हारी निगाहें इधर है देखो निगाहें जरूर देखना क्योंकि जो आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है वो किसी और को एंटी क्लॉकवाइज भी दिख सकता है मैंने क्या बोला समझ में आया जो इंसान इस कॉइल के इधर खड़ा होगा उसके लिए सेंस और तुम्हारे लिए सेंस सेम सोड़ना होगा तो यह समझना भी जरूरी है कि ऑब्जर्वर आपका किधर है ऑब्जर्वर आप देख पा रहे होंगे इस समय कॉइल के राइट मोस्ट साइड में है या नहीं है भाई अब आपसे यहां पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट जल्दी बताओ किधर है इधर है क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो बढ़ाएगा कि घटाएगा घटाएगा भाई घटाने के लिए करंट कैसे आएगा सोचिए अगर करंट तुम कहते हो ऐसे आएगा कितने लोग कह रहे हैं कि करंट ऐसे आएगा क्लॉकवाइज सेंस में जो लोग कह रहे हैं क्लॉकवाइज सेंस में मैं बता दूं गलत है क्योंकि क्लॉकवाइज सेंस में अगर करंट आया तो अपनी फिंगर्स को कल करो ये तो फील्ड के डायरेक्शन में ही आ गया ना तो सही है गलत है गलत है ना बेटा तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा क्लियर है ऑल इज सेट तो मतलब मैं ये कह सकता हूं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये जो करेंट है बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस रहेगा कंफ्यूजन क्रिएट तो नहीं हुआ कोई बहुत बढ़िया शानदार अगला सवाल देखना बिल्कुल मिलता जुलता सेम सवाल है लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे बार मैग्नेट को पलट दिया है इस बार आपके पास जो बार मैग्नेट है उसका साउथ पोल ये है नॉर्थ पोल ये और इस बार इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास में नहीं ला रहे हो इस कॉइल से दूर ले जा रहे हो दिस कॉल इज फिक्स्ड 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 और इस बार मैग्नेट को हम दूर लेकर के जा रहे थे, है? फील्ड है? क्या इस में है? बहुत बढ़िया एक बात बताओ जब आप इस बार मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे हो जब इस बार मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड है वो आपका बढ़ेगा या घटेगा घटेगा क्या मैं ये कह सकता हूं इस कॉइल से इस डायरेक्शन में जाने वाला इस कॉइल से इस डायरेक्शन में जाने वाला फ्लक्स जो है वो वक्त के साथ घट रहा है जिसने उसे उत्पन्न किया उसी का वो विनाश करेगा तो जल्दी से से बताओ करंट इस तरीके इंड्यूस होना चाहिए कि इसकी वजह से डायरेक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में आ जाए क्या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए क्या इस बार तुम्हारा करंट इस तरीके से आएगा भाई हाँ या ना देख लो आराम से कुछ लोग क्लॉकवाइज बोल रहे हैं बेटा इस बार भी आंसर उल्टा ही आएगा तुम्हारा गलती मत करो इस बार फील भले इस डायरेक्शन में लेकिन घट रहा है तो उसको बढ़ाना है ना तो इसी डायरेक्शन में आएगा आंसर, विल भी से, आंसर दे रहे हैं भाई कुशाग्र शर्मा अबे ऑब्जर्वर की निगाहों से देखो ऑब्जर्वर की निगाहों से अपनी निगाहों से मत देखो ऑब्जर्वर यहां पर है ये देखेगा तो इसके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए तभी तो उसको सपोर्ट कर पाएगा सोचो आराम से कंफ्यूज मत होना ठीक है समझ में आ गया आराम से सोचिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ये तो भाई छोटे छोटे गेम है तुम्हारे लिए घर पे आराम से बैठ करके खेलना इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं ये देखिएगा ये सवाल आपके सामने अब देखता हूं कौन आंसर सही देगा ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये कॉइल जो है ना वो एट जैसा फॉर्म बना रहा है एट जैसा जैसा एट होता न, 8 है ना आठ वैसा फॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो अंदर की तरफ है दिखाई दे रहा है सभी को और यहां पे ऑब्जर्व करो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे तुम्हारे सामने एक चैलेंज है अगर ये एट बन गया एट तो अगर किसी एक कॉइल से तुम कहते हो करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉक तो दूसरे वाले से क्लॉक जाएगा मतलब जो डायरेक्शन है या हम कह सकते हैं जो सेंस है वो अपोजिट रहेगा ऐसी अगर तुम्हारे सामने फंस जाए तो क्या करना चाहिए अभी बढ़ाते हैं भाई स्पीड बढ़ा देंगे थोड़ी देर में सर क्लैरिटी नहीं आई फिर से बताओ देखो इन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्लैरिटी नहीं आई आराम से घर पे बैठ के सोचो ठीक है यहाँ पे थोड़ी अटके रहना है आगे अच्छे अच्छे सवाल भी करने हैं भाई यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ी बताते रहूंगा यहाँ पे जरा ध्यान से देखना जब भी इस तरह की सिचुएशन फंस जाए कि जहां पे एक कॉइल में क्लॉकवाइज और दूसरे कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट जाए तो इसमें हमेशा उसको सम्मान देना या उसको इज्जत देनी है जिस कॉइल का एरिया ज़्यादा हो क्योंकि उससे ज़्यादा फ्लक्स जाएगा तो इन दो में से आप किस कॉइल को ज़्यादा फोकस करेंगे बड़े वाले कॉइल पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बड़े वाले से ज़्यादा ऐसे घर में होता है ना एक छोटा भाई एक बड़ा भाई छोटा भाई कुछ और कह रहा है एकदम अपोजिट है आपके छोटा भाई कह रहा है न्यू ईयर पे पार्टी होगी और आप कह रहे हो न्यू ईयर पे पार्टी नहीं होगी दोनों लड़ रहे हो तो ऐसे केस में किसकी सुनी जाती है जो बड़ा भाई होता है उसकी सुनी जाती है भाई तो वही माहौल है बिल्कुल एकदम वैसा ही माहौल यहाँ बना हुआ है बिल्कुल एकदम परिवार जैसा माहौल है लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है एक कहेगा क्लॉक तो दूसरा कहेगा एंटी क्लॉक ये तो समझ में आ रहा होगा तो ऐसे में जो बड़ा कॉइल है उसको सम्मान दीजिए उसको आप रिस्पेक्ट दीजिए तो क्या करेंगे बड़े वाले कॉइल को देखो बड़े वाले कॉइल को देखोगे तो तुम कहोगे फ्लक्स किधर है अंदर की तरफ है फील्ड बढ़ेगा तो अंदर की तरफ बढ़ेगा तो इसमें करंट ऐसे आना चाहिए कि वो उसको घटाए इसमें करंट ऐसे आना चाहिए कि वो उसको घटाए यस और नो देखो घटाने के लिए राइट हैंड यूज करो बाहर की तरफ क्लियर है बात तो इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो बड़े वाले में एंटी क्लॉक आया तो छोटे वाले में क्लॉकवाइज आ जाएगा इस तरीके से सोचते हैं मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो हमेशा उस कॉइल को ज्यादा रिस्पेक्ट दें जिसका एरिया ज्यादा है क्लियर आगे बढ़ते हैं जल्दी से बताओ इसमें यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो कॉइल आपको दिखाई दे रहे होंगे ये कॉइल ए है ये कॉइल बी है मुझे जल्दी से बताना यहां पर करंट ए से बी जाएगा या बी से ए आएगा आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है करंट बताओ ए से बी जाएगा या बी से ए आएगा कितने लोग कहते हैं कि ए से बी जाएगा और कितने लोग कहते हैं बी से आएगा अनुभव पूछ रहा है सर अगर बराबर एरिया हुआ तो बेटा अगर बराबर एरिया हुआ ना उस वाले केस में तो फिर जीरो हो जाएगा कहीं भी नहीं जाएगा इस वाले में कोई भी करंट नहीं जाएगा ए से बी में आप यहां पर कह सकते हो कि आई की वैल्यू जो है ना वो जीरो हो जाएगी मतलब यहां पर इनडिपेंडेंटली इन दोनों लूप में करंट चलेगा आप ऑब्जर्व करिएगा फील्ड किधर है अंदर की तरफ फ्लक्स क्या हो रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो देखो यहां पर करंट इसमें भी ऐसे चलेगा और इसमें ऐसे चलेगा और इन दोनों कॉइल में इनडिपेंडेंट करंट फ्लो करेगा ए से बी या बी से ए कोई भी करंट नहीं जाएगा क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर ए से बी चला गया तो वापस आने का रास्ता नहीं है है क्या क्लोज लूप फॉर्म ही नहीं हो पा रहा ए से बी गया तो बी से ए कैसे आएगा तो इसलिए यहां पर ए से बी जाएगा ही नहीं मतलब ए से बी यहां पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्लियर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है लोग यहां पर गलती करते हैं इन दोनों लूप में इनडिपेंडेंट करंट चलेगा इसमें मान लो आई वन करंट चलेगा बाहर वाले में और इस वाले में मान लो आई टू करंट चलेगा ठीक है ये देखो जेई दो हजार बारह में एक सवाल पूछा गया था जेई एडवांस दो हजार बारह का ये सवाल है आपके सामने मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप लोग खुद अटेम्प्ट करें और मुझे बताएं आपका आंसर क्या आएगा करेंट कैरिंग इन्फाइनइटली लॉन्ग वायर इज कैप्ड अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वायर लूप विदाउट टचिंग इट बताइए क्या आंसर आएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हर्षवर्धन मल्टीपल चॉइस है एमसी क्यू है एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकते हैं याद रखिएगा एमसी क्यू सवाल है भाई जी एडवांस का क्वेश्चन है मल्टीपल करेक्ट सिचुएशन क्या है समझ लीजिएगा आपके पास यहां पर बेटा एक कॉइल है और आपने एक वायर को इस तरीके से रखा है अलॉन्ग द डायमीटर बहुत बढ़िया कीर्तन ने तो आंसर बता दिया कश्यप साहब ने आंसर बता दिया अबे सो रहे हो क्या नालायक हो आंसर बताओ माहौल का आनंद मतलब इसमें करंट जा रहा है आई आपसे क्या पूछा गया ई एम एफ इंड्यूज कितना ई एम एफ इंड्यूज होगा इस वायर की वजह से इस वाले इलाके में और इस वाले इलाके में जो फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम नहीं आएगा ये बात शायद आपको समझ में आ रही होगी इस वायर की क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है यहां पर इस वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ऐसे आएगा डॉट बना देता हूं तो इधर आएगा ऐसे क्रॉस क्या ये बात समझ आ रही है भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे क्लोज लूप बनाएंगी तो तुम्हें एक बात समझ आ रही है ईएमएफ तो तब इंड्यूस होता है फैराडे को याद करो जब तो फ्लक्स चेंज होता है यहां पर जितना फ्लक्स यहां से एंटर हुआ यहां पर इतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल रहा है मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि अगर यहां पॉजिटिव फ्लक्स हुआ तो बेटे यहां नेगेटिव फ्लक्स है और पता है हमेशा फ्लक्स की वैल्यू जीरो आएगी तो चाहे यहां पे करंट चेंज हो या ना हो फ्लक्स हमेशा जीरो रहेगा और अगर फ्लक्स जीरो रहा, तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा तो बताओ कौन कौन से ऑप्शन सही है ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज जीरो भी सही है ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप इज जीरो करंट कांस्टेंट हो या ना हो करंट चेंज हो रहा हो देख रहे घुमा दिए देख रहे हो विनोद कैसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है यही तो आई तो क्या मतलब है हम तो की बात करेंगे। हमें एक बात समझ में आ रही है जितना पॉजिटिव फ्लक्स जाएगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स तो नेट फ्लक्स हमेशा ही जीरो है तो जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा और जनाब यहां पे आपकी स्क्रीन पे जो आंसर है वो ए और सी हो जाएगा दिस विल बी द करेक्ट आंसर ए और सी बहुत बढ़िया शानदार प्रखर मेहता ने एकदम सही जवाब दिया है आगे बढ़े भाइयों देख रहे हो इस तरीके के सवाल आपके सामने आ सकते हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपके पास एक कॉइल है और ये बार मैग्नेट है इस बार मैग्नेट को रेस्ट से रिलीज किया गया कहां से रिलीज किया है रेस्ट से रिलीज किया गया आपसे पूछा जा रहा है कि आपके सामने ये दो सिचुएशन है सिचुएशन नंबर ए और सिचुएशन नंबर बी ऑब्जर्व करिए कुछ लोगों को तो दोनों फोटो एक जैसे ही लग रहे होंगे अभी गधो एक जैसे नहीं है दोनों फोटो अक्षत वर्मा पूछ रहे हैं सर सी कैसे हुआ अक्षत वर्मा किसी भी टाइम पर तुम फ्लक्स निकाल लो जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना नेगेटिव फ्लक्स है चाहे करंट टाइम के साथ चेंज हो या ना हो बस ये है कि करंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी टाइम के साथ आपका वेरिएबल आएगा लेकिन अपन को उससे क्या मतलब है अपन तो नेट देखेंगे तो नेट तो जीरो ही आएगा ना बेटा इन दोनों सिचुएशन में आपको इन कॉइल्स को रेस्ट से रिलीज किया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि किस केस में इस बार मैग्नेट का जो एक्सलरेशन है वो जी से कम आएगा एक बात बताना इस बार मैग्नेट को जैसे ही रिलीज किया एकदम से फॉल होना स्टार्ट होगा जब ये फॉल होना स्टार्ट होगा तो मैं यहां पे शायद ये चमक रहा हो कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर इस तरीके से होंगी पहले मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट यहां पर इंड्यूस करेंट का डायरेक्शन क्या हो तो देखना फ्लक्स किधर है नीचे की तरफ जब ये नीचे की तरफ आएगा तो मैं कहूंगा कि फ्लक्स नीचे की तरफ है और बढ़ रहा है तो इस कॉइल में करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए कि उसको बढ़ाएगा घटाएगा घटाएगा यस और नो तो तुम खुद सोचो कि इसमें करंट ऐसे आना चाहिए देखो ध्यान से इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऐसे आना चाहिए ऐसे आएगा तभी तो इसकी वजह से फील्ड ऊपर आएगा तभी तो चेंज का कर क्या करेगा अपोज करेगा हाँ या ना तो इस तरीके से आया तो एक बात बताना तो मैं वैसे भी समझ में आ गया होगा कि अगर ये नीचे आ रहा है तो चेंज का अपोज करेगा तो यहां पर इस बार मैग्नेट का जिस तरफ तुम्हारा थम आया उस तरफ इस कॉइल के लिए नॉर्थ पोल होगा और नीचे की तरफ इसका साउथ पोल होगा क्योंकि जिस तरफ फील्ड लाइन होती है हो, नॉर्थ पोल होता है और नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं रिपेल करते हैं रिपेल करते हैं है. तो इस बार मैग्नेट पे इस कॉइल की वजह से फोर्स कहां लगेगा मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा

मतलब या हम ये कह सकते हैं ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स इस तरीके से लगाएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या लगेगा अपोजिट लगेगा मतलब बोथ ऑफ द सिचुएशन में आपका एक्सेलरेशन जो है ना वो जी से कम होगा नहीं आया अभी भी समझ क्लियर है बात ऑल इज सेट दोबारा बताऊं नहीं बहुत बढ़िया नाइस अब देखना लॉ के कर लिए अब मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र चालीस परसेंट सवाल सुनना ध्यान से फोकस स्क्रीन चालीस परसेंट सवाल इस पेज पे लिखे हुए फॉर्मुल से ही हो जाएंगे अभी तुमने देखा होगा कि फेराडे में हमने सिर्फ इस बात की चर्चा करी है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या हमने उसके एक्सप्लेनेशन को समझा कि इंड्यूस होने के पीछे क्या रीजन है नहीं समझा और अभी मैं उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा उसकी चर्चा बाद में करूंगा इवन विदाउट नोइंग द रीजन वाई दिसमए इंडलीस्ट फोर्टी परसेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इस स्क्रीन पर आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं इन फॉर्मुल से अगर आप फेमिलियर हो गए तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि आप सवालों को बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे होंगे जैसे कि ध्यान से देखना यहां पर आपके सामने इंड्यूस्ड ई एम एफ फेराडे लॉ याद ही है माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस आपको समझ में आ रहा होगा लेंज लॉ का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है देखिए एवरेज जब भी हम फाइंड करते हैं तो किसी इंटरवल में फाइंड करेंगे और किसी मोमेंट पे फाइंड करेंगे तो डी फाई बाई डी टी करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी सुनते जाना अगर मान लो उस कॉइल में आप इंड्यूस करंट निकालना चाहते हो तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो ई एम एफ इंड्यूस हुआ है उसको डिवाइड कर दो आर से बेटा ये आर क्या है आर आर क्या है ये आर क्या है ये कौन लोग हैं जो रेडियस बोल रहे हैं अबे गधो ये आर रेजिस्टेंस है ये देख रहे हो नशा करके आते हैं सस्ता वाला मैंने बोला है ब्रांड इंक्रीज करो यार तुम लोग आर रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस अपॉन आर आर इज अ करंट देगा बेटे क्या कर रहे हो यार इतने शौक पाल रखे हैं तुम लोगों ने ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉल है मेरे भाई नितिन वर्मा कह रहा है सर सेकंड केस समझ नहीं आया थोड़ी देर में आ जाएगा वर्मा साहब समझ में टेंशन मत लो भाई तुम्हारे साथ है बिल्कुल टेंशन मत लो अगर कोई पॉइंट तुम्हें समझ भी नहीं आया थोड़ा सा धैर्य रखो धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा पेशेंस रखो सारी चीजें कनेक्ट कर लेंगे अपन लोग ठीक है भाई माहौल सेट बहुत बढ़िया एवरेज अगर वैल्यू निकालनी है एवरेज वैल्यू एवरेज इंड्यूस करेंट अगर निकालना है तो वहां पर हम ऊपर लिखेंगे एवरेज इंड्यूज ई एम एफ डिवाइडेड बाय द आर और ये वैल्यू आपको पता ही है आपके सामने ये स्क्रीन पे चार फॉर्मूले दिख रहे हैं क्या इन चार फॉर्मुलों को आपको याद करना है क्या कुछ याद ही नहीं करना भाई अबे ई किसको नहीं पता सबको पता है फेरा लॉ सभी को याद है और अगर ई एम एफ को रजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे करंट आ जाएगा ये कोई रॉकेट साइंस है क्या अगर आपको किसी इंटरवल में निकालना है किस में निकालना है किसी इंटरवल में निकालना है तो भी कोई समस्या नहीं है तो वहां पे माइनस ऑफ डेल्टा फाइव अपॉन आर डेल्टा ठीक कर देंगे जरा ध्यान से निगाहें स्क्रीन पर रखिएगा सर बिल्लू कहाँ है बेटा बिल्लू तो तुमसे मिलने गया हुआ है ना यहाँ पे ध्यान दो बिल्लू पे फोकस है इनका अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करना इसको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब किसी भी गिवन कॉइल में कितना चार्ज फ्लो किया उसकी चर्चा यहाँ पे करो एक बात बताइएगा आपने अभी करंट निकाला करंट की वैल्यू क्या लिखी वन बाय आर इंटू डी फाइव बाई डी टी यस और नो यहां से अगर मैं डी को इधर ट्रांसफर करता हूं तो बेटा ये क्या बनेगा आई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन आर और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ जरा ऑब्जर्व करना मेरे भाई इंटीग्रल ऑफ आई डी टी इंटीग्रल ऑफ आई डी टी शायद आपको चमक गया होगा दिस इज़ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो और यहां पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो गे माइनस वन बाय आर तो बाहर आ जाएगा अंदर क्या बचेगा इंटीग्रल ऑफ डी फाइव तो यहां पे सीधे सीधे माइनस के डेल्टा फाइव अपॉन आर आ गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मुद्दे की बात अगर आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकालना चाहते हैं तो डेल्टा फाइव पता है क्या लिखा हुआ है द चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई द रजिस्टेंस याद करो इस फॉर्मूले को पता है ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? और एग्जामिनर इस फॉर्मूले पर कई सारे सवाल क्यों पूछ चुका है, ये जो amount of charge flow है ना वो तुम्हारा टाइम से इंडिपेंडेंट आ रहा है देखो हमसे जब भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पूछा जाता है तो हमें लगता है इंटीग्रल ऑफ आई डी टी लेकिन मुद्दे की बात है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो सिर्फ इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपके फ्लैक्स में कितना चेंज आया मेरी बात समझना जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कॉइल ऐसे रखा हुआ था मैंने इस कॉइल को इस तरीके से टर्न कर दिया तो आप समझ पा रहे हैं फ्लक्स चेंज हुआ होगा मान लो जब ऐसे रखा हुआ था तो इससे फ्लक्स था दस कितना था टेन ठीक मैंने ऐसे टर्न कर दिया अभी मान लो फ्लक्स हो गया जीरो तो चेंज कितने का आया दस का तो अगर आपसे पूछा जाए इस दौरान इस इवेंट के दौरान कितना चार्ज उस कॉइल से फ्लो किया होगा तो सीधे सीधे टेन डिवाइडेड बाय आर लिख दोगे तो यह जानने की जरूरत नहीं है कि इस कॉइल को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाने में कितना वक्त लगा मतलब मुद्दे की बात नोट कर लेना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो जो हुआ है इस इवेंट के दौरान यह जो है इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ टाइम क्या यह कॉइल यहां से जब यहां पे पहुंचा तो इस ओरिएंटेशन को चेंज करने में कितना टाइम लगा क्या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो उस पर डिपेंड करेगा चाहे ये एक सेकंड में पहुंचा हो या एक साल में पहुंचा हो इस इवेंट के दौरान जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो है वो हर बार सेम आएगा क्या भाई ये फॉर्मूला याद हो गया नेगेटिव साइन तो देखो तुम्हें तो समझ में आ गया होगा एक भैया पूछ रहे हैं नेगेटिव क्या बता रहा है नेगेटिव तो वही है लेंज लॉ अपोजिशन चेंज का ठीक है तो देखो जब भी मैं आंसर निकालता हूं तो नेगेटिव वाली चीज तो मुझे वैसे ही समझ में आ जाती है नेगेटिव वाली चीज तो मैं वैसे ही समझ लेता हूं और मैग्नीट्यूड में ऐसे निकाल लूंगा क्या ये फॉर्मूले याद हो गए सभी को अरे या नो सर आपके हिसाब से देखिए भाइयों भाइयों थोड़े इमोशनल हो रहे हैं एक भाई क्रिस भैया कह रहे हैं क्रिस बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो आपके हिसाब से सिर्फ इलेवेंथ के बेसिक्स एंड ट्वेल्थ पूरी अच्छे से करें तो क्या पेपर अच्छे से हो सकता है अरे बेटा बहुत अच्छे से हो सकता है ट्वेल्थ का वेटेज पैसठ परसेंट होता है तुमको पता है इलेवंथ का वेटेज मात्र पैंतीस परसेंट होता है तो तुम तो आग लगा के आ जाओगे पेपर में धुआं धुआं कर दोगे ठीक है भैया माहौल सेट क्या फॉर्मूला याद है अब देखना है इन सवालों पर इन फॉर्मूलों पर हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं चलिए तैयार हैं सभी लोग आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है सभी से उम्मीद है कि आंसर निकालेंगे देखिएगा ध्यान से आपको यहाँ पहले से ही बता दिया कितने अच्छे लोग हैं पहले ही बता दिया भाइयों ने कि फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है मतलब आपसे मेहनत करवाना नहीं चाह रहे हैं भाई उनको पता है अपने भाई बंधु बहुत गरीब हैं उन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये दिया हुआ है हमने कहा बहुत अच्छे पहला पार्ट क्या पूछा है इंड्यूज एफ ये सिर्फ क्वेश्चन तुम्हें फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराने के लिए दिया जा रहा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए दिया जा रहा है मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप मत कर देना तुरंत आंसर लिख दो फटाफट जल्दी कौन बता रहा है आंसर देखता हूँ भाई कृष्णा बताएगा कृष्णा बताएगा नहीं बता रहा भाई कौन बता रहा है राम बेटा राम आंसर दो नहीं तो मार मार के घनश्याम बना देंगे तुम्हें बता रहे हैं बहुत बढ़िया इंड्यूजी एम देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है डायरेक्शन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम कहेंगे कि इसका डेरीवेटिव फाइंड आउट कर दें डी फाई बाई डी टी यस और नो तो आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी प्लस टू की वैल्यू वन पुट कर दीजिए टी की वैल्यू वन पुट करेंगे मेरे हिसाब से आठ वोल्ट आ गया पहले पार्ट का आंसर आठ वोल्ट आया आया कि नहीं आया चलिए भाई बहुत बढ़िया अब आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट में निकालना है ये मुझे उम्मीद है कि एवरेज का सबको याद है डेल्टा फाइव डेल्टा टी फ्लक्स का चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बहुत बढ़िया माइनस साइन मैंने नहीं लगाया है ठीक है मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ माइनस तुम्हें समझ में आ रहा होगा ऑब्वियस सी बात आएगा ठीक है डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई डेल्टा टी डेल्टा फाइव टी बराबर जीरो पे फ्लक्स कितना है टी बराबर जीरो फ्लक्स हो जाएगा थ्री प्लस टू। जीरो क्या ये पांच आ बहुत बढ़िया आनंद आ गया भाई आनंद आ गया भाई माहौल सेट है सी पार्ट करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आर आपको पांच ओम दिया हुआ है फॉर्मूला याद हो गया क्या सभी को इंड्यूस करेंट निकालना है इंडम ईएमएफ कितना था आठ रजिस्टेंस कितना पाँच कितना आ गया बेटा वन पॉइंट सिक्स बहुत बढ़िया डी पार्ट का आंसर बता दो एवरेज करेंट एवरेज करेंट लिखना है तो एवरेज ई एवरेज ई की वैल्यू कितनी है फाइव डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस कितना आ गया बेटे वन एमपियर क्या कहते हो कितना समय लगा तुम्हें सभी लोगों का आंसर आया कि नहीं आया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है कि आपका एक अप्रोच डेवलप करूं आपको यह समझ में आना चाहिए जब भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि यू हैव टू फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ तो दिमाग में सबसे पहले अगर कोई चीज क्लिक करेगी ना तो वो ये करेगी क्या मुझे फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है जैसे सवाल में तो कितने अच्छे लोग हैं पता था भाई लोग हमारे बहुत गरीब है उन्होंने पहले ही आपको बता दिया फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टीम आपने इसका डेरिवेटिव किया आपका आंसर आ गया आप देख पा रहे हैं आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी तो किसी एक मोमेंट पर नहीं पूछी जाएगी क्योंकि एक मोमेंट पर इज नो मीनिंग ऑफ एवरेज वैल्यू आप देख पा रहे हैं जब आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है तो आपको एक इंटरवल दिया हुआ है जैसे यहां इंटरवल यह दिया है, जीरो से वन सेकेंड क्या सभी को क्लियर है एकदम फर्जी सवाल दो कौड़ी का सवाल दो कौड़ी का सवाल है मेरे भाइयों मैंने सिर्फ ये सवाल तुम्हें फॉर्मूला याद करने के लिए बताया था चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे जई मीन्स आ चुके हैं पी वाई क्यूज पे कुछ लोग कह रहे थे बहुत देर से सर पी वाई क्यू नहीं करा रहे हैं ये लीजिए भैया पी वाई क्यू बोरी भर भर के लीजिए आप तो जई मींस दो हजार सत्रह में ये सवाल आ चुका है सवाल पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है बहुत बढ़िया इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस हंड्रेड ओम ओके अ करेंट इज इंड्यूज बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर अच्छा करेंट को चेंज कर रहे हैं भैया ऐसा ये कह रहे हैं क्या पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या करें भाई ये ग्राफ आपको पता है किसका दिया हुआ है वर्सेस का दिया हुआ है और शायद आपको याद होना चाहिए कि इसका एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देता है इसका एरिया अंडर द कर्व आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो देता है जो कि आपका कितना हो जाएगा वन बाई टू टेन इंटू वन बाई टू जो कि मेरे हिसाब से दस बटे चार लेकिन सर ये क्यों निकाल रहे हो देखो उसी फार्मूले का यूज आ गया अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो का भी फार्मूला याद कराया था मेरे भाई मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है देख रहे हो सीधे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल आ रहे हैं अब तुम बताओ कि अगर आज का सेशन तुमने अटेंड कर दिया ऐसे ऐसे हलवा हलवा सवाल क्या तुमसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इसीलिए तो भाई मैं बोल रहा हूं बस फंडे याद होने चाहिए अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो निकाल चुके हो दस बटे चार आंसर बताओ कितना आ रहा है ये आएगा डेल्टा फाइव हमें नहीं पता अपॉन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटे इज सौ यहाँ से देखना जल्दी से तुम्हारे सामने डेल्टा फाइव की वैल्यू आ जाएगी कितनी दस इंटू सौ डिवाइडेड बाई चार क्या माहौल सेट है एकदम मेरे हिसाब से आंसर दो सौ पचास आ रहा है कैलकुलेशन चेक करना कि आपका आंसर भी दो सौ पचास ही आ रहा है क्या आंसर शुड बी ए क्लियर है कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये लोग खत्म हो गया लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं आगे बढ़ो अगले सवाल की तरफ बढ़े बहुत बढ़िया सभी का आंसर आ गया प्रखर मेहता हर्षवर्धन ऑल इज सेट बहुत अच्छे अगला सवाल देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक सवाल से हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे चाहूंगा कि प्लीज थोड़ा सा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखो हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते आपको भी पता है टाइम हमारे पास लिमिटेड है हम लिमिटेड सवाल करके ईएमआई के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करना चाह रहे हैं तो तुम अगर ये सोच करके आयो कि मैं यहाँ पर एक टॉपिक पे दस सवाल करा दूँ तो आपको पता है कि इतने कम इंटरवल में वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ई अपने आप में कितना बड़ा चैप्टर है जब हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं तो लगभग लग चौदह लेक्चर लग जाते हैं इस चैप्टर को पूरा कवर करने में और तुम चाह रहे हो कि सर इस चैप्टर को दो से तीन घंटे में कवर कर दें तो वो तो पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा कि आपको सेलेक्टिव सवाल करा करके लगभग सारे कॉन्सेप्ट बता दू आनंद आ रहा है माहौल सेट जरा ध्यान से देखिएगा सवाल क्या है सुनिएगा ध्यान से आपके पास एक स्क्वायर स्क्वायर लूप लूप है है इस की जो साइड लेंथ वो आपको दो मीटर दी हुई है ठीक इस स्क्वायर लूप को एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है यहां इस पूरे इलाके में हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है

कि यहां पर इस तरीके से बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा दिए जाए क्या दो मीटर है तो मैं कह सकता हूं कि हर किसी का चार ओम हो जाएगा चार ओम कैसे आया क्या ये सभी को समझ आ रहा है एक मीटर का दो ओम तो दो मीटर का चार ओम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आनंद आ गया सवाल सुनिएगा सवाल सुनिएगा पहला पार्ट इंड्यूज ई जब भी ये सवाल आपके सामने आए तो हमेशा आपको ये सोचना है क्या मैं फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर पाऊंगा अगर मैं फ्लक्स ऑफ टाइम कैलकुलेट कर पाया तो मेरे लिए बहुत आसान है क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में तो आपको फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया था इस बार नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा है आपको समझ में आ रहा है कि इसका एरिया कितना है एरिया कितना है चार तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फ्लक्स की वैल्यू लिख दूं क्या बेटा फ्लक्स क्या लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड टेंट टी इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मल्टीप्लाइड बाय एरिया एरिया कितना है चार क्या ये वैल्यू आपके पास फोर्टी इंटू टी आ गई बेटा ये लो खत्म हो गया ना सवाल खत्म चूडन सवाल फ्लक्स <laughs> आ गया अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या तुम हाँ सवाल खत्म हो चुका है मेरे भाई इंडियो जी एम एफ डी फाइव बाई डी टी ये वैल्यू आ जाएगी चालीस वोल्ट बहुत बढ़िया अगला सवाल क्या है इंड्यूस करेंट इंड्यूस करेंट क्या लिखोगे चालीस वोल्ट की बैटरी अपॉन टोटल रजिस्टेंस एक बात बताना टोटल रजिस्टेंस कितना है चार चार के चार हैं टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है सोलह है आनंद आ गया भाई सोलह है कि नहीं है जल्दी बताओ कितना आ गया टू पॉइंट फाइव एम पहले दो पार्ट हो गए सी पार्ट जो मुझे बता दे कल आकर के अन सेंटर पे मेरी तरफ से उसको ग्रैंड पार्टी मिलेगी भाई कौन बताएगा लेट सी देखता हूँ सी पार्ट का आंसर कौन देगा बहुत बढ़िया सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ए बी ए और बी इन दो points के अक्रॉस आपको बताना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आ भाई अभिनव रखर कौन है भाई कौन है क्या बात है भाई देवान शर्मा ने तो आंसर बता दिया ग्रैंड भाई नाम नोट किया जाए भाई का शर्मा जी ने आंसर एकदम सही बताया कुछ लोग आंसर नौ दे रहे हैं कुछ लोग दस दे रहे हैं गलत है गलत है गलत है पता है आंसर जीरो आएगा जीरो आएगा बहुत ही शानदार सवाल इसलिए तो बोला था इसलिए तो बोला था पार्टी दूंगा मैं अरे भाई कौन है भाई जो फ़ोन किए जा रहा है भाई अश्व थामा ने भी बता दिया भाई ये महाभारत से आए हुए हैं क्या लोग तुम लोग ने ऐसे नाम क्यों रखे हुए हैं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों के नाम जब पढ़ रहा हूँ तो इतने खतरनाक नाम है ना जई बड़ी आई आई अश्व थामा सर कहाँ से आए हो भाई कोई कैप्टन अमेरिका कोई मूवी वूवी शूट कर रहे हो क्या तुम लोग पता है इसका आंसर जीरो आएगा जिन लोगों का आंसर ये सोच करके दे रहे हैं कि सर करेंट टू पॉइंट फाइव है और चार से मल्टीप्लाई करके दस जिनका आंसर दस आ रहा है वो लोग गलत है जिनका आंसर दस आ रहा है वो लोग गलत है सुनिएगा ध्यान से अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना वाकई में ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी बढ़ाने में मदद करेंगे इस लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था चालीस वोल्ट का मानते हो इस बात को इस लूप में ईएमएफ कितना आया था चालीस वोल्ट का अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछता कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट तो आपको समझ में आ रहा है कि फ्लक्स किधर है अंदर की तरफ किधर है अंदर की तरफ और क्या हो रहा था बढ़ रहा था तो उसका अपोज करने के लिए इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे आएगा लेंज लॉ ये देख लो आराम से किधर है अंदर बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेगा ऐसे आएगा बढ़ रहा है ये बात तुम्हें यहाँ से समझ में आ गई होगी फोर्टी टी से ठीक फेराडे ने सिर्फ ये बताया था कि यहाँ पर एक ई एम एफ इंड्यूज होगा और वो होगा चालीस वोल्ट का मतलब इस लूप में एक बैटरी है और वो चालीस वोल्ट की है लेकिन एक बात बताओ वो बैटरी है कहाँ दिस इज़ अ वर्चुअल बैटरी वो बैटरी किस तरफ लगी हुई है इधर लगी हुई है इधर लगी हुई है इधर लगी हुई है इधर लगी हुई है मुझे ये बताओ जल्दी से फेराडे ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी उसने बोला कि यहाँ एक बैटरी है लाइक मिस्टर इंडिया मिस्टर इंडिया तो याद होगा जो दिख नहीं रहा लेकिन है जो दिख नहीं रहा लेकिन है मानते हो इस बात को तो वो जो मिस्टर इंडिया जो वर्चुअल बैटरी है वो कहाँ है ये चालीस वोल्ट की बैटरी कहाँ है तो फेराडे तो कुछ बोल के नहीं गया फेराडे ने तो बस ये बोला कि हाँ भैया इस लूप में इस पूरे लूप में इस तरीके से टोटल जो बैटरी है ना वो चालीस वोल्ट की है अब ये तुम लोग सोच लो भैया कि कहां पर होगी लेकिन पता है इस सवाल का जवाब मैं एक लॉजिक से दे सकता हूं शायद तुम भी दे सकते हो हर केस में तो नहीं बता पाओगे लेकिन इधर बता दोगे क्या तुम्हें यहां पर सिमेट्री दिखाई दे रही है क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है तुम्हारे पास एक स्क्वायर है तो एक बात बताना एक स्क्वायर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो कद्दू कटेगा सब में बटेगा और बराबर बटेगा सर क्या बोला आपने अरे भैया ये जो 40 बोल्ट की बैटरी है क्या ये मैं बोल सकता हूं सिमिट्री के लॉजिक से ये बैटरी हर टर्मिनल में लगी होगी मतलब यहां पर इस 40 बोल्ट को तोड़ तोड़ के तुम हर जगह इस तरीके से चार बैटरी लगा सकते हो मेरे भाई इस तरीके से चार बैटरी दस दस बोल्ट की हाँ या ना और साथ ही साथ तुम्हारे पास रेजिस्टेंस तो है ही रेजिस्टेंस तो थे ही हर टर्मिनल में कितना था रेजिस्टेंस हर टर्मिनल का शायद चार ओम था यही था ना मेरे भाई समझ में आया बेटा हल्के में मत लेना क्वेश्चंस को तो यहां पे जब तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है ए से बी का तो अब तुम सोचो कि कुछ लोगों ने सिर्फ IR बता दिया था लेकिन ये 10 वोल्ट को खा गए थे जो मिस्टर इंडिया है जो दिख नहीं रहा लेकिन अपना काम कर रहा है भाई जब तुम ए से बी चलोगे तो कैसे चलोगे ए पॉइंट का पोटेंशियल की दिशा बी है माइनस आई आर आई निकाल चुके हो यस और नो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा क्या वो 4 का आएगा प्लस टेन भी तो होगा लोगों ने टेन ऐड नहीं किया था एंड दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी तो आपको यहां से दिखाई दे रहा होगा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो पॉइंट ए और बी का जो पोटेंशियल है वो सेम आएगा मेरे भाई How was it? कैसा लगा आया मजा कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया भाई आंसर विल बी जीरो यहां पर ये लोग गलती कर देते हैं वो बैटरी भूल जाते हैं समझ में आया फेराडे बता के नहीं गया कि बैटरी कहां लगी हुई है लेकिन अपन ने बता दिया अपन ने बता दिया कि जो 40 वोल्ट की बैटरी जो फेराडे कह रहा था इस लूप में है उसको अपने सिमिट्री के लॉजिक से बहुत आसानी से निकाल लिया लेकिन ऐसा आप हर बार नहीं कर पाओगे ये बात भी आपको शायद समझ आ रही होगी यहां पे आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि यहां पे यह स्क्वायर है अब ये कोई रेक्टेंगुलर लूप वगैरह होता तो शायद हम इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते तैयार हो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए भाई क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं जल्दी बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वन टाइप करो फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वन टाइप करो और नहीं क्लियर है तो टू टाइप करो मयंक नीमा पूछ रहा है सर प्लस टेन कैसे आया? अच्छा लेकिन जब बैटरी को भी तो क्रॉस करोगे ना दस वोल्ट की बैटरी भी तो है तो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट जाओगे तो प्लस टेन का गेन भी तो होगा तो रजिस्टेंस के अक्रॉस गेन आएगा ओके चलिए बहुत बढ़िया आनंद आ गया भाई सभी लोग वन टाइप कर रहे हैं मतलब सभी को बढ़िया शानदार समझ में आ रहा है ठीक है ये थ्री वाले कौन है वे कंफ्यूज है मैंने वन और टू ही ऑप्शन दिया था थ्री कहाँ से आ गया तुम्हारे पास ऑप्शन अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा आपको जवाब देना है खुद को जवाब देना ई एम एफ इंड्यूज इन द लूप जब भी ये सवाल पूछा जाए आपको क्या सोचना है सोचिए कौन जवाब देगा अभिनव कह रहा है सर ये क्वेश्चन करके दिल गार्डन गार्डन हो गया बेटा दिल पे कंट्रोल रखो कहीं और ना चला जाए भी फोकस यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन पर हाँ भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है एक मिनट रुकना भाई ये स्क्रीन में हाँ आई थिंक अभी सही है थोड़ा सा एक मिनट रुके सोना नहीं है भाई माहौल बना करके रखेंगे सभी लोग चद्दर ओढ़ करके भले बैठ सकते हैं चद्दर बैठ ओढ़ के बैठना अलाउड है लेकिन सोना अलाउड नहीं है पूरा ईएमआई निपटाएंगे भाई हाँ भाई बताइए ईएमएफ इंड्यूस इन द लूप एक बात बताना यहाँ पर क्या हो रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं क्या नहीं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे लेकिन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आर को चेंज कर रहे हैं किसको चेंज कर रहे हैं को चेंज कर रहे हैं मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कहा था उस कॉन्सेप्ट के साथ चलना है आपको हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइ कैलकुलेट करना फाइ लिखना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म फील्ड है तो सीधे सीधे बी इंटू एरिया एरिया को क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर ठीक अगला स्टेप क्या होता है ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो इसको कर देते हैं डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी टी यही तो करते हैं ना बेटा तो यहां पे देखो बी और पाई ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया और जब आप आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा टू आर इंटू डी आर बाई डी टी मुझे उम्मीद है आपको इतनी मैथ्स आती होगी टू आर इंटू डी आर बाई डी टी क्या एक बात बताओ आपके पास आर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है यहाँ बेटा रेडियस चेंज हो रहा है एरिया चेंज हो रहा है यहां पे तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो dr डी आर बाई डी टी डी आर बाई डी टी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी साफ साफ दिख रहा है कांस्टेंट है वन आ जाएगी खत्म हो चुका है सवाल ई एम एफ इंड्यूस पूछा गया मेरे भाई तो क्या लिखोगे टू pi आर और आर की वैल्यू अभी लिख देंगे थोड़ी देर में इंटू बी इंटू डी आर बाई डी टी और डी आर बाई डी टी की वैल्यू तुमने बताई थी वन है आर की वैल्यू आर नॉट प्लस टी है तो मैं लिख देता हूं टू पाई बी मल्टीप्लाइड बाय आर नॉट प्लस टी क्या यहां से तुम्हारे पास ई एम एफ की वैल्यू आ गई क्या मेरे भाई अब मुझे जल्दी से ये बताना ये जो तुम्हारा ई एम एफ इंड्यूस हुआ है इस लूप में ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा टू पाई इंटू बी खुद ऑब्जर्व करो किधर है अभी कौन किसके बारे में बात कर रहा हूं किधर है अभी कौन मैग्नेटिक फील्ड अंदर है रेडियस बढ़ रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो फ्लक्स अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो उसका अपोज करने के लिए यहाँ पे करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज आएगा तभी तो इसकी वजह से फील्ड जो है वो आउटसाइड द प्लेन आएगा तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है क्लॉकवाइज वाइज या एंटी क्लॉकवाइज बेटा आंटी पुलिस बुला लेगी नहीं एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा हूँ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो यार तुम पता नहीं कहाँ अपना फोकस ले जा रहे हो ये चैट में कैसी बातें लिख रहे हो तुम लोग आंसर बताओ क्या आ रहा है कोई लिख रहा है आंटी पुलिस बुला लेगी बेटा एंटी क्लॉक है एंटी क्लॉक आंसर विल बी सी आंसर बेटे सी होगा सी एंटी क्लॉक वाइज यस और नो बताओ क्लियर हुआ सभी को क्लियर बहुत बढ़िया अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा है। देखो अभी मैंने दो प्रोफाइल के सवाल करा पिछले वाले सवाल में आपने देखा था फ्लक्स को कैसे चेंज किया था मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इस बार कैसे चेंज किया इस बार रेडियस चेंज करके अगले सवाल में सोचो क्या करने वाला हूं अगले सवाल में क्या चेंज करूँगा सोचो इस बार सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है इस बार ना तो रेडियस चेंज कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं यहां पे आपके पास ये एक सर्कुलर कॉइल है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो इस प्रोफाइल के सवाल अगर तुम पी सॉल्व कर रहे हो तो मैं बता दूं आपको कम से कम तीन से चार बार इस प्रोफाइल का सवाल मिलेगा और यह क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा कि यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिनोमिना पे पूरा एक चैप्टर है भाई ऐसी <laughs> जो चैप्टर है ना वो पूरा का पूरा चैप्टर इस वाले क्वेश्चन पे ही चल रहा है क्या कह रहे हो सर हाँ देखना ध्यान से यहां पर बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कॉन्स्टेंट है चेंज नहीं हो रहा और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बी दिया हुआ है बी की वैल्यू में बी नॉट मान लेता हूँ एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन मतलब यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मेरे भाई इन द प्लेन ठीक है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है और कॉन्स्टेंट भी है बहुत बढ़िया और इसका एरिया भी कॉन्स्टेंट है मतलब ये भी चेंज नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप ऑब्जर्व करिएगा यहां पर इस कॉइल को इस डायमीटर के अबाउट इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट किया टी बराबर जीरो पर आपके सामने ये सिचुएशन थी ये कॉइल आपको प्लेन में दिखाई दे रहा था अब इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट किया मेरा सवाल आपसे ये है क्या ई इंड्यूस होगा कि नहीं होगा बहुत बढ़िया आंसर बता चुके हैं कश्यप साहब आंसर बता चुके हैं मेहता साहब भी आंसर बता चुके हैं मुझे जल्दी से ये बताओ क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा अगर होगा तो उसके पीछे रीजन क्या है आप ये सोचिए जब आप इस कॉइल को डायमीटर के अबाउट रोटेट करेंगे तो क्या आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा यस और नो क्योंकि आपको पता है कि आपका जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं इसका आप टॉप व्यू देखिए आपको समझ में आएगा जब आप इस तरीके से रोटेट करेंगे क्या आपका एरिया वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा मेरे भाई पक्का सहमत हो Approach बताओ जब भी हमसे पूछा जाता है सुनिएगा ध्यान से हमसे जब भी पूछा जाता है तो क्या हम फ्लक्स किसी भी जनरल टाइम टी पर निकालते हैं मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम टी पर मान लेते हैं कि किसी जनरल टाइम टी पर एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है ठीक है भाई तो उस समय जब तुम फ्लक्स लिखोगे तो फ्लक्स कैसे लिखोगे सुनना ध्यान से फ्लक्स क्या ये लिखोगे बी ए कॉस्ट थीटा लेकिन यार हमने अभी बात करी थी कि हमें तो फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए होता है क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं लेकिन यहां तो टाइम का फंक्शन है ही नहीं फिर क्या करें ये थीटा क्या है एंगल रोटेटेड बाय द कॉइल अगर आपको थोड़ी बहुत काटिक्स आती हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो थीटा की वैल्यू क्या ओमेगा इंटू टी होगी मेरे भाई क्या थीटा की वैल्यू ओमेगा इंटू टी होगी मेरे भाई देखना ध्यान से क्या मैं यहां पर बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं और अगर ये लिख सकता हूं तो मुझे लगता है कि मेरा सवाल सॉल्व हो चुका है यहां से देख करके तुम्हें समझ आ रहा होगा कि जो ई एम एफ इंड्यूज होगा उसकी वैल्यू होगी डी फाइव को डिफरेंट करें तो यह आएगा बी ओमेगा साइन ओमेगा टी मान लो एक चीज और कर लेते हैं मुझे क्वेश्चन याद आ गया इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन होते एन एन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ये नंबर ऑफ टर्न्स होते तो क्या करते भाई तो यहां पे जब तुम आंसर लिख रहे होते तो यहाँ पे BA theta, जब फ्लक्स मल्टीप्लाई कर देते क्या मैं ई एम एफ अपॉन आर आर इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल क्या मैं इस तरीके से लिख सकता था बी ए एक मिनट एन का इधर भी मल्टीप्लाई कर लेनागा साइन उमेगा टी बटे आर याद करना भी आसान है बी एन बैन कर दो किसको ओमेगा को बेटा यहां से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं ये वैल्यू पता है तुम्हें क्या दिखाई दे रही है ये वैल्यू बताओ जल्दी से क्या है दिस इज अ पीक वैल्यू ये जो इंड्यूस हुआ है ना ईएमएफ ये उसकी पीक वैल्यू है कई बार आपसे सिर्फ पीक वैल्यू पूछी जा सकती है पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ तो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या लिखूंगा बी ए एन बैन इंटू उमेगा यस और नो

एसी करंट की याद दिला रहा है मतलब अगर मैं यहाँ पर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगा तो ये ग्राफ मेरा साइनोसोडियल करंट बनेगा मतलब हाफ ऑफ द साइकिल में करंट क्लॉकवाइज होगा और नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब मैं यहां पर यह कह सकता हूँ ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा मेरे भाई सोचो सोचो आराम से सोचो मेरे भाई यहां पे और ये पीक वैल्यू जो है वो तुम्हारी आई नॉट है दिस इज प्लस आई नॉट और दिस इज माइनस ऑफ आई नॉट और आई नॉट की वैल्यू तो अपन को पता ही है कितनी है भाई बैन उमेगा बटेयर ये तुम्हें दिख रहा है दिस इज ए सी जनरेटर बोरी भर के सवाल मिलेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ए सी सर्किट जो आपके घर में ए सी सप्लाई आ रही है ना वो कुछ इस तरीके से ही बनाई जा रही है यूनिफॉर्म फील्ड में एक कॉल को हम घुमाते हैं को घुमाने से क्या होता है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपके घर में लगा हुआ बल्ब जलता है तुम्हें तो पता है आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो डीसी सप्लाई 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 है सप्लाई है वो सप्लाई है एसी एसी वो मेरे भाई तुम डीसी करंट बहुत पढ़ते रहते हो लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है ना वो ए सप्लाई हो रही है स्वदेश मूवी देखी है याद करो वो बचपन में वो तुम स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे वो पानी गिराते थे ऊपर से नीचे टर्वाइन को घुमाते थे और वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी बेटा ये वही कॉन्सेप्ट है स्वदेश मूवी में कुछ याद आ रहा है कि कुछ और ही याद आ रहा है तुम्हें मूवी में याद आ रहा है शाहरुख खान पहाड़ पर से पानी लेकर के आया टरवाइन घूम गई बल्ब जल गया गाँव में बिजली आ गई यही सेम कॉन्सेप्ट ये बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वहां पर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है जब हम टर्न को रोटेट करते हैं तो हम उसकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा क्यों हो रहा है इंटरेस्टिंग बात आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाफ ऑफ द साइकिल में करंट पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज है हा 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 ये देखो अनुभव को देखो भैया इनका फोकस तो कहीं और ही है इनका फोकस कहां पर कौन है महिमा चौधरी बेटा कहां भटक रहे हो चौधरी वौधरी नहीं यहां फोकस करो फोकस भाइयों जल्दी फटाफट क्विक जल्दी से बताएं फटाफट कितने लोगों को समझ में आ गया एक सवाल और पूछना चाहूंगा एक सवाल और पूछना चाहूंगा अमाउंट ऑफ सी पार्ट सुनिएगा बी पार्ट करेंट था सी पार्ट है अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो वेन कॉइल रोटेट्स बाय वन एटी डिग्री जब ये कॉयल पूरा एक सौ अस्सी डिग्री घूम जाएगा इतनी देर में इस गिवन कॉइल से कितना चार्ज फ्लो करेगा मतलब ये मान लो ये कॉयल था बेटे ठीक है और मान लो ये कॉयल इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं ठीक है और जब इस कॉइल को घुमाया तो कितना घुमाया एक सौ अस्सी डिग्री घुमा दिया मतलब तो तुम ऐसे फील ले सकते हो किताब ले लो किताब पकड़ो सभी लोग कॉपी है तुम्हारे हाथ में कॉपी हाथ में पकड़ो ना लाइको कॉपी हाथ में पकड़ो पकड़ लिया ये रही कॉपी तुम्हारे पास अब इसको पलट दो पलट दो पूरा ये लो पलट दिया कितना घूम गया एक सौ अस्सी डिग्री तो जब इसको एक सौ अस्सी डिग्री पलटा गया तो इस दौरान कितना चार्ज फ्लो करेगा बहुत बढ़िया तिवारी साहब आंसर जीरो दे रहे हैं मैं जानता हूं तुम्हारे फंडे कहाख है मुझे पता है ना मुझे तुम्हारी नफ्स को पकड़ना आता है कितने लोगों का आंसर जीरो हूँ जिनका आंसर जीरो लोगों के साथ हूँ क्या आप लोगों का आंसर जीरो आ रहा है बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन आनंद हर्षवर्धन सब लोग मिलकर के जीरो दे रहे हैं अश्व थामा कीर्तन कश्यप सबके आंसर जीरो आ रहे हैं मैं आपको बता दूं ये आपका आंसर गलत है यही तो है छोटे छोटे फंडे कॉन्सेप्ट जिनपे हम ध्यान नहीं दे रहे होते इसीलिए हमारे साथ ये गलती हो जाती है इसका आंसर आपका जीरो नहीं आएगा सुनिएगा ध्यान से हम एक बार किसी सरफेस का एरिया वेक्टर जब डिसाइड कर देते हैं ना तो थ्रू आउट द जर्नी जितना आपका प्लेन चेंज होगा ना आपके एरिया वेक्टर भी उतना ही रोटेट करेगा जैसे कि ध्यान से देखना हमने कहा कि यहां पे फील्ड अंदर की तरफ था सुनना ध्यान से मैंने अभी इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ माना ठीक तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि इससे इनिशियल फ्लक्स कितना गया होगा तुम कहोगे बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा थीटा की वैल्यू लिखोगे जीरो क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरल है तने गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर दिया बहुत है बहुत बढ़िया मेहता जी ने भी सही आंसर दिया है बी ए कॉस्टिटा और नंबर ऑफ का और मल्टीप्लाई कर लो एन, एन तो क्योंकि तो एन बी ए ये बात बिल्कुल सही है अब तुम सोचना यह तुम्हारे पास सरफेस थी तुमने इसका एरिया वेक्टर यह डिसाइड किया ये डाउनवर्ड डायरेक्शन जो कि फील्ड के डायरेक्शन में अब जब तुम इस सरफेस को रोटेट करोगे इस प्लेन को रोटेट करोगे तो जब ये आपका प्लेन रोटेट होगा ना तो इसके साथ इसका एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा मतलब 180 रोटेट होने के बाद इसका अब एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ हो जाएगा मतलब जब तुम बेटे यहां फाइनल फ्लक्स लिख रहे होगे ना तो यहां पे तुम एन बी ए कॉस थीटा लेकिन थीटा की वैल्यू जीरो नहीं 180 लिखोगे ये गलती होती है लोगों से एक सरफेस का एरिया वेक्टर अगर आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद जितना आपका प्लेन घूमेगा उतना आपका एरिया वेक्टर घूमेगा और यहां से तुम्हें समझ में आ रही है ये वैल्यू माइनस के डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तो माइनस एन बी ए माइनस एन बी ए पर डिवाइडेड बाय आर क्या ये आंसर आपका बी ए एन बटे आ रहा है जीरो नहीं आना चाहिए आज के बाद ओपी सवाल है भाई, टोपी पहना देंगे तुम्हें बता रहे लोग कहते हैं कि सर 180 रोटेट हो गया ये यहाँ पे जीरो पुट कर देते हैं क्या जीरो पुट करोगे नहीं करोगे एक बार जो एरिया वेक्टर आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद आप जितना प्लेन को रोटेट करेंगे एरिया वेक्टर भी आपका उतना ही रोटेट करेगा क्लियर ऑल इज सेट तो आंसर विल बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माहौल सेट है आगे बढ़े थक गए क्या आप लोग भाई भाइयों तुम्हें पता है एक घंटा 45 मिनट हो चुके हैं इस सेशन को चलते हुए एक घंटा 45 मिनट हो गए मेरे भाई एक सौ पांच मिनट से मैदान में टिके हुए हैं वक्त का पता चला क्या इसलिए कहता हूं लाइव सेशन का फायदा ये होता है समय का पता ही नहीं चलता या ऑल इज सेट अगला सवाल बढ़े कोई दिक्कत की बात नहीं है सर कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं क्वेश्चन इसलिए तो गलत हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट ढीले दी हैं ढीले हैं जो थोड़ी बहुत कम कमियां है ना तुम्हारी उन्हीं को तो मैं सही कर रहा हूं ये सेशन लेने का मेन ऑब्जेक्टिव यही तो है चलिए चलिए टाइम पास नहीं बिल्कुल टाइम पास नहीं अगला सवाल आ जाइए बिल्कुल टाइम पास मत करो तुम लोग मेरे को डिस्ट्रैक्ट मत करो भाई बिल्कुल भी कंडक्टिंग लूप ऑफ रेडियस ए एक कंडक्टिंग लूप है जिसका रेडियस ए है उसका रेजिस्टेंस हमें आर नॉट दिया हुआ है और इस कंडक्टिंग लूप को रखा है एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब क्या है भाई क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड साइड द प्लेन है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी है बी नॉट आर टी स्क्वायर मतलब सेंटर से स्कॉल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाके अगर आप फील्ड कैलकुलेट करोगे ना तो उस फील्ड की वैल्यू बी नॉट आर टी स्क्वायर आपको दी हुई है ठीक है बहुत बढ़िया हमसे बोला जा रहा है इंड्यूस करंट निकालना इंड्यूज ई एम एफ निकालना ये तो बात समझ आ रही है इंड्यूस इंडियमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट तो अपने आप ही आ जाएगा इंड्यूस ई एम एफ आ गया तो इंड्यूस करंट तो अपने आप ही आ जाएगा बताओ कैसे करोगे मुझे जल्दी से बताओ क्या सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना चाहिए लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए आज आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते बी डॉट ई कितने लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे फ्लक्स इस तरीके से लिखूंगा बी डॉट ए करके क्या आप ऐसा सोच रहे हैं क्या रेडियस आपको इसका ए दिया हुआ है देखो बेटा बी डॉट ए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पे फील्ड जो है वो रेडियली चेंज हो रहा है फील्ड जो है वो रेडियल डायरेक्शन में जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो क्या ये फील्ड लगातार चेंज हो रहा है और अगर ये फील्ड चेंज हो रहा है तो फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है तो यहां पे बी डॉट ए करें या पहले एक एलिमेंट लें फिर उसको इंटीग्रेट करें यहां पर हम आर डिस्टेंस पे जाके एक सबसे पहले एलिमेंट कंसिडर करेंगे भाई आर डिस्टेंस पे जाके सबसे पहले एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे क्या दिखाई दे रहा है सभी को ये लो भाई इसकी विर्थ मान ली डी आर इससे निकालो फ्लक्स इससे फ्लक्स कितना आएगा बी बी की वैल्यू क्या लिखोगे बी नॉट आर टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्या इसका एरिया लिख पाओगे तुम लोग इसका एरिया आएगा बेटा टू पाई आर इंटू डी आर इसका एरिया आएगा टू पाई आर इंटू डी आर ये इस छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स आया लेकिन मुझे पूरे उससे फ्लक्स निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करूंगा जीरो से ए दिस विल गिव यू द फ्लक्स किसी भी जनरल टाइम टी पर इस गिवन कॉइल से आप इस तरीके से फ्लक्स निकाल सकते हैं कॉन्स्टेंट एम को बाहर निकाल लो टू पाई बी नॉट टी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेट किसको करना है सिर्फ आपको आर स्क्वायर डी आर को करना है यस और नो क्या मैं सही सोच पा रहा हूं भाइयों जल्दी से चेक करके बताओ कैलकुलेशन आर स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना आता है ए क्यूब बाई थ्री आ जाएगा यस और नो तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू आती है टू पाई बाय थ्री बी नॉट टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड क्या फ्लक्स एज अ फाइम आ चुका है अगर फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है तो वॉट विल बी द नेक्स्ट स्टेप अगर आपको इंड्यूस ई एम एफ कैल्कुलेट करना है क्या यहां पर डी फाइव बाई डी टी करते है? बहुत बड़े आंसर निकाल भी चुके हैं काफी सारे लोग जो कॉन्स्टेंट है मैं उनको बाहर निकल लू टू फाइव बाई थ्री बी नॉट ए क्यू और यहां पे अब करोगे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव एंड दैट इज टू टी मेरे हिसाब से आंसर आपका आ जाएगा फोर पाई बाई थ्री बी नॉट ए क्यूब इंटू टी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले इंटीग्रेट किया बाद में डिफ्रेंशिएट किया पहले इंटीग्रेट क्यों किया क्योंकि मुझे उस गिवन कॉइल से टोटल फ्लक्स निकालना था और अगर फ्लक्स टोटल पता चल गया तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा निकल करके क्या वो मुझे इंड्यूस ईएमएफ देगा या नहीं देगा सोच के बोलो सोच के बोलो भाई टोपा उतार के बैठो तुम लोग ये टोपा लगा करके तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं टोपा उतार के बैठो बता रहे हैं तुम्हें बहुत बढ़िया क्या तुम्हारे पास इंड्यूज ई आ गया इंडियूज ई आ गया तो मुझे लग रहा है बेटे करेंट आ गया तुम्हारे पास क्या करंट की वैल्यू ई e बटे रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस मुझे लगता है सवाल में दिया हुआ है देखें ध्यान से क्या रेजिस्टेंस दिया हुआ है हाँ दिया हुआ है आर नॉट रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं क्या हमारे पास करंट आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय जल्दी से देखिए फोर पाई बाय थ्री आर नॉट बी नॉट एक कैसा लगा सवाल आनंद आया कि नहीं आया आनंद आया कि नहीं आया भाई कृष्णा बेटा कश्यप साहब लोग मैदान में सुलटते चले जा रहे हैं क्या तुम भी सुलट रहे हो क्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सादिक खान समझ आ गया है ठीक है चलिए आगे बढ़े फिर तो ये कॉन्सेप्ट आपने देखा मैंने लगभग फेराडे लॉ के मेंस लेवल के सारे प्रोफाइल कवर किए इवन मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी गया आपने देखा कि फ्लक्स को चेंज करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं टाइम के साथ चेंज कर लो एरिया को चेंज कर लो लोटा को चेंज कर लो यूनिफॉर्म फील्ड के भी क्वेश्चन किए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के भी क्वेश्चन कर लिए पंडा हमें समझ में आ गया बेसिक स्टेप बताओ फटाफट बेसिक स्टेप क्या है जब भी आपसे इंड्यूस पूछा जाएगा आपको फ्लक्स निकालना है और उसका डेरिवेटिव कर देना क्या आंसर आ जाएगा चलिए बहुत बढ़िया अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक तीसरा टॉपिक आ रहा है इमोशनल ई इमोशनल मत हो जाना इमोशनल नहीं होना भाई किसी को इमोशनल ई का मतलब क्या लग रहा है ये इमोशनल जो वर्ड है क्या वो इमोशन वाले वर्ड से चुराया गया है क्या हाँ नहीं बिल्कुल नहीं सुनिएगा ध्यान से पहले मैं यहां पर सीधे रिजल्ट की बात करूंगा बाद में आपको इसका प्रूफ समझाऊंगा कि मोशनल EMF का प्रूफ किस तरीके से आया पहले समझिए मोशनल जो वर्ड है ना वो मोशन वर्ड से आया अगर एक रॉड यहां पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपके पास एक एल लेंथ की रॉड है क्या सभी को दिखाई दे रही है और अगर ये वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यहां पे जो फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म फील्ड है कैसा फील्ड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक रॉड मूव कर रही है तो याद रखना कि वो रॉड जो है उसके टर्मिनल के अक्रॉस एक ई एम एफ हो जाता है मतलब ये रॉड तुम्हारे लिए आज के बाद ये रॉड नहीं है ये तुम्हारे लिए एक बैटरी है और उस बैटरी का जो ई एम एफ होगा ना वो पता है कितना होगा वी वी एल मैं अभी बहुत ही स्पेशल केस कंसिडर कर रहा हूँ ये हमेशा वैलिड नहीं है ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी वैलिड है जब यहाँ पे तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे मतलब कौन सर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और रॉड अगर ये तीनों वेक्टर, अगर ये तीनों वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है जैसे कि ध्यान से ऑब्जर्व करना मैग्नेटिक फील्ड किसके अलॉन्ग है जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी किसके अलांग है एक्स एक्सिस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको और ये रॉड जो है रॉड वो किसके अला किस रखी हुई है वाई एक्सिस के रखी मतलब आज के बाद अगर कभी भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जिसमें ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो समझ लेना उस रॉड को हटा के वहां एक बैटरी लगा देना मेरे भाई और उस बैटरी का जो ई e लिखोगे वो क्या लिख दोगे वीवीएल लिख दोगे अब लेकिन जब बैटरी लगाओगे तो बैटरी का एक टर्मिनल हाई पोलरिटी पे होगा और एक टर्मिनल लो पोलरिटी पे होगा यस और नो लेकिन अब डिसाइड ये करना होगा कि कौन सा टर्मिनल हाई पोलरिटी पर है और कौन सा टर्मिनल लो पोलरिटी पर है तो हमेशा याद रखना क्या करना है जो हाई पोलरिटी है या हम कह सकते हैं जो पॉजिटिव पोलरिटी है ना वो पॉजिटिव पोलरिटी आपकी सुनेगा ध्यान से पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ बैटरी हमेशा वी क्रॉस वी के डायरेक्शन में होगी मतलब वेलोसिटी वेक्टर का जब आप मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन निकल करके आएगा दैट विल गिव यू द पॉजिटिव पोलरिटी ऑफ द बैटरी क्या देगा आपको

बड़ी प्लेट बनेगी और नीचे उसकी छोटी प्लेट बनेगी क्या क्लियर है ये बात ये बात अभी मैं एक बहुत ही स्पेशल केस की बात कर रहा हूं ठीक है और वो स्पेशल केस मैंने आपको समझा दिया पहले इस स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे उसके बाद हम जनरल एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इस स्पेशल केस को डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक तो याद रहेगा क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको कि कब वैलिड है समझ में आया जब ये तीनों आपस में क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा यस और नो चलिए जैसे कि यहाँ पर इसके बेसिस पर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके सामने ए आई ट्रिपल ई आपको पता है पहले जेई मीन्स जो है वो ए आई ट्रिपल ई के नाम से जाना जाता था ए आई ट्रिपल ई दो हजार दस में एक सवाल आया ये आपके सामने लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा कि प्लीज यार थोड़ा सा मैं पॉज लेता हूँ पानी वानी पीता हूँ मुझे आप बताइए कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन क्या है पढ़ लीजिए एक बार फटाफट अनुभव बोल रहा है कि सर डायरेक्शन बता दो बेटा डायरेक्शन जब भी देखना है तो वेसिटी क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ना तुम्हें राइट हैंड रूल का यूज कर लो वी क्रॉस वी कर दिया करो मतलब विलॉसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड मतलब अपने राइट right हैंड के फिंगर्स को विलॉसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल करो और थम जिस डायरेक्शन में आएगा वो आपको पॉजिटिव पोलैरिटी देगा बिल्कुल भाई मैंने भी जेई का पेपर 2010 में दिया था मेरे टाइम पे देखो ऐसे ऐसे फर्जी सवाल आए थे तभी तो मेरा सिलेक्शन हो गया <laughs> बहुत बढ़िया शिवम तो आंसर बता भी चुका है देखो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे बीच में एक स्लाइडर लगा हुआ है और इस स्लाइडर को आगे की तरफ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अभी तुम्हें बताया था कि अगर ऐसा स्लाइडर है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं जो अभी मैंने बताई थी तो तुम्हें बताया था कि ये सवाल जो है ना वो तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल बन जाएगा इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ये आर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा साथ में यहाँ पे एक बैटरी आ जाएगी ये इस बैटरी का ई हो गया वी ये रेजिस्टेंस आर और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी है मैंने क्या किया समझ में आया ये जो बीच में एक रॉड लगी हुई थी जिसका रेजिस्टेंस मुझे आठ दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है आठ दिया हुआ है उसको हटा करके मैंने वहां पर एक बैटरी लगा दी क्या यहां तक क्लियर है सभी को खत्म हो गया सवाल इसके बाद क्या करोगे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां से जाने वाला करंट जो है वो आई है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला आर और ये वाला आर क्या पैरेलल में कनेक्टेड है तो इन दोनों में करंट आधा आधा बढ़ जाएगा इधर आई बाई टू जाएगा और इधर आई बाई टू जाएगा क्या आप आई की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसान है एक बार बताओ इन दोनों आर को हटा करके ये दोनों पैट्रोल में लगे हुए हैं क्या इन दोनों को हटा करके क्या मैं एक आर बाई टू का रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ तो इसी सर्किट को तुम देख पा रहे हो इस तरीके से भी तोड़ा जा सकता है एक आर और वहाँ से हटा करके लगा दिया आर बाई और ये लगी है तुम्हारे पास एक बैटरी बी की मामला सतर है एकदम बताना इसमें कितना करंट जाएगा टोटल करंट बता दो यहाँ पे टोटल करंट अगर आई है तो आई की वैल्यू क्या लिखोगे ई एम एफ यस और नो अपॉन टोटल रजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितना बेटा आर प्लस आर बाई टू यस और नो क्या आ रहा है आंसर जल्दी बताओ आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा यहां पर ये टू बी एल वी बटे थ्री आर आ जाएगा ये आई आ गया और आपसे आई वन और आई टू पूछा गया है और आई पूछा गया है तो आई वन आई टू तो बराबर ही आ रहा है आई वन बराबर किसके आ गया आई टू जो कि आई बाई टू के बराबर होगा मेरे हिसाब से आंसर वैसे पता है पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल में वो तो यार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है और बहुत सारे भाई बंधु इस समय जो नजरें लगा के बैठे हुए हैं स्क्रीन पर वो गरीब भाई बंधु भी हैं तो इसलिए मैं आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी बताओ क्या है आंसर क्या आंसर विल बी द सी कितना आसान सवाल था था कि नहीं था और देखते हैं सवाल देखो देखो करते जाओ थक मत जाना भाई एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर क्लास कब तक चलेगी भाई के आने का टाइम फिक्स है लेकिन भाई के जाने का टाइम फिक्स नहीं है जब तक माहौल सेट रहेगा भाई क्लास चलेगी थक गए क्या मेरे भाई तुम कहो तो क्लास ऑफ कर दूंगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरी तो सुबह साढ़े छः पे ऑफलाइन क्लास भी है भाई कॉन्कर टू वाले बच्च के बच्चों को पता है ये बात तुम कहो तो क्लास ऑफ कर दूंगा लेकिन तुम कहोगे तो चलन दो भाई चलन दो बताओ क्या कहते हो चलन दें क्लास बहुत बढ़िया <coughs> अगला सवाल जल्दी से सोच के बताओ ए आई ट्रिपल ई दो हजार ग्यारह में भी सवाल एक आ चुका है देखिएगा इस बार सवाल को किस तरीके से घुमाया जा रहा है तुम्हारे सामने अ हॉरिजोंटल स्ट्रीट वायर ट्वेंटी मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट एक वायर है ये इसकी लेंथ क्या है बीस मीटर बहुत बढ़िया ठीक है क्वेश्चन पढ़ लेना अ स्पीड ऑफ फाइव मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल टू द दॉर्जनटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको मैं बता देता हूं जिन लोगों को नहीं पता कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस तरीके से होगा टुअर्ड्स द नॉर्थ

क्या सीधे सीधे वी एल बी विल बी दी एल बी विल बी देंट थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर इंटू लेंथ इज ट्वेंटी मल्टीप्लाइड से थर्टी इंटू टेन की पावर माइनस फोर मेरे हिसाब से आंसर टू आ रहा है क्या तुम्हारा भी आंसर यही आ रहा है क्या थ्री मिली वोल्ट चेक करना कैलकुलेशन देख रहे हो कैसे फर्जी फर्जी सवाल आ रहे हैं यार हलवा सवाल तुम खुद देख लो अब मत कहना फार्मूला याद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है चले थोड़ा यार लेवल बढ़ाते हैं इसलिए मेरे को पीवाई क्यू कराने में ना मजा नहीं आता सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा अपने लेवल का सवाल लेके आते हैं है ना हम्म hmm. अपने लेवल का सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है भाई लोगों के लिए जरा देखिएगा ध्यान से यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस रजिस्टेंस ओम का ठीक है, ओके, okay. ये आपके पास एक स्लाइडर है यहां मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड द प्लेन है प्लेन के अंदर की तरफ है इस स्लाइडर को पांच मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ ले जा रहे हैं इसकी लेंथ हमें दो मीटर दी हुई है और इसका रेजिस्टेंस जो है स्लाइडर का वो हमें पांचों ओम दिया हुआ है ठीक है चलो अनुभव बोल रहे है सर, हमने की डायरेक्शन में क्यों नहीं मानी अनुभव बेटा क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल थी ना उस केस में तो लेंथ उसके डायरेक्शन में कैसे मान लेते हॉरिजॉन्टल का मतलब समझो तुम ठीक है एक बात बताना इस स्लाइडर को हटा दें क्या क्या इस स्लाइडर को यहाँ से हटा करके यहाँ एक बैटरी लगा दें उस बैटरी का ईएमएफ मुझे उम्मीद है सभी को याद होगा बी एल बी बी की वैल्यू है दस लेंथ कितनी है दो वेलोसिटी कितनी है पाँच क्या ये आपके पास सौ वोल्ट की बैटरी आ रही है देखो भाई इससे पहले आपको ये नहीं पता था बैटरी कहाँ लगेगी जब तुम फेराडे लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो तुम्हें यह नहीं पता था कि ई एम होगा ये बात तो पता थी लेकिन वो ई एम एफ कहाँ इंड्यूस होगा ये नहीं पता था लेकिन अब तुम सोचो कि ये सौ वोल्ट की बैटरी क्या सिर्फ इस स्लाइडर में लगेगी इस वाले केस में मतलब क्या मैं इस सर्किट को एक नॉर्मल सा इलेक्ट्रिकल सर्किट बना सकता हूँ क्या सौ वोल्ट की बैटरी और यहां पर तुम्हारे सामने आ जाएगा एक इंटरनल रजिस्टेंस ये हो गया दस ओम ये हो गया पांच ओम और बैटरी है सौ वोल्ट की भाईओ सवाल सॉल्व हो गया क्या मेरे भाई हो? अबे सिंह अबे बेटा पढ़ाई कर लो ये आग लगा रहे हो तुम यहाँ पे हैं बापू जी को पता चलेगा कि तुम यहाँ बैठ के चैट में आग लगा रहे हो तो क्या होगा तुम तुम्हारी मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आग मत लगाओ आंसर बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा करेंट कितना आ जाएगा द टोटल ई एम एफ हंड्रेड डिवाइडेड बाय दस प्लस ए मेरे हिसाब से बेटा बीस बटे तीन आंसर आ जाएगा ट्वेंटी बाई थ्री एम क्या ये मैंने सही किया है बहुत बढ़िया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रॉड रॉड के टर्मिनल का मतलब इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो आपको समझ में आ रहा है इन दो टर्मिनल के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जितना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा इस रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट हमें पता है ट्वेंटी बाई थ्री तो जब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं आई बीस बटे तीन इन टू आर माहौल बाई आर रजिस्टेंस कितना है बेटा दस तो ये वाला आंसर भी आ गया दो सौ बटे तीन वोल्ट बहुत बढ़िया समझ में आया सभी को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द रॉड बढ़िया सवाल है बी पार्ट लोग पता है इसका आंसर गलत दे देते हैं लोगों से पूछा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ टर्मिनल्स ऑफ अ रॉड के अक्रॉस तो पता है क्या आंसर देते हैं सो वोल्ट सो वोल्ट थोड़ा ना होगा क्योंकि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है सो वोल्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है तो जब आप इसको यहां से यहां क्रॉस करोगे तो हंड्रेड माइनस आई आर करोगे कि नहीं करोगे मतलब इस सवाल का जवाब आप ऐसे भी निकाल सकते थे कुछ लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं वो बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हंड्रेड आएगा हंड्रेड तो ई है और आप ये समझ पा रहे होंगे ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो यहां पर क्या लिखोगे ई माइनस आई आर आई की वैल्यू कितनी थी बीस बटे तीन इंटू पांच देखो यहां से भी आंसर दो सौ बटे तीन ही आ रहा होगा कैसे भी सोच लो तुम लोग आंसर आ जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा है एफ एक्सटर्नल ये अच्छा सवाल है आपके सामने जो स्लाइडर है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये स्लाइडर कांस्टेंट वेलोसिटी से खुद से नहीं चल सकता ये बात आपको समझनी चाहिए क्योंकि इस स्लाइडर में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें इस स्लाइडर में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो करंट जा रहा है ऊपर की तरफ जो कि कितना जा रहा है ट्वेंटी बाई थ्री आपने शायद पढ़ा हो नहीं पढ़ा तो सुन लेना एम e. में आपको पढ़ाया जाएगा जिन लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक वायर में करंट आई जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स लगता है बिल और उस बिल का डायरेक्शन देखना है तो कैसे देखोगे आई इधर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो वो बिल फोर्स इधर आ जाएगा दैट इज बिल और ये जो फोर्स है ना बेटा ये फोर्स इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करेगा लेकिन हम कह रहे हैं कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है यहां पर उस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या बिल के बराबर होनी चाहिए मेरे भाई तो जल्दी से बताना तुम्हें यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लिखना है तो लिखोगे बिल के बराबर बिल की वैल्यू बताओ कितनी आएगी बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है दस करेंट बीस बटे तीन लेंथ कितनी थी लेंथ देख करके बताओ कितनी है दो मीटर मल्टीप्लाइड बाई दो अरे हा या ना भाई क्या यहां से तुम्हारे सामने ये चार सौ बटे तीन आ जाएगा न्यूटन दिस विल बी द फाइनल आंसर ये कांस्टेंट वेलोसिटी तुम ये सोचो कि अगर इस स्लाइडर को वेलोसिटी देके छोड़ देते तो पता है धीरे धीरे क्या होता ये स्लाइडर की वेलोसिटी कम होती चली जाती है। और स्लाइडर के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाती है इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन बाद में करेंगे मतलब अगर हम इस स्लाइडर को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाह रहे हैं तो यहां पर इस एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा या इसी बात को आप ऐसे कह सकते हो कि यहां पे एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क कर रहा है वही वर्क किसमें जा रहा है पता है हीट लॉस इन द सर्किट क्लियर है बात बहुत बढ़िया आगे बढ़े सवालों की तरफ तो देखो अभी मैंने जो केस बताया मोशनल ई का वो मैंने एक बहुत ही स्पेशल केस बताया था बहुत ही स्पेशल केस का मतलब जिसमें वो तीनों फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी जल्दी बताओ वो तीन कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी वेलोसिटी लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल केस है और इस पर आपने देखा कि डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं अब मैं बता रहा हूं एक जनरल एक्सप्रेशन फॉर द मोशनल ई एम एफ तो जरा यहां पे हम जनरल एक्सप्रेशन देखना चाहेंगे कि मोशनल का क्या होगा पहले तो ये सीखते हैं कि यार चाहोगे चाहो जल्दी बताओ प्रूफ देखना चाहोगे बोले वन शॉट वीडियो हो लेकिन बता के सब कुछ जाऊंगा ये भाई का कमिटमेंट है तुम लोगों से देखना ध्यान से एक्चुअली मैं मान लो ये तुम्हारे पास रॉड है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड है और तुमने इस रॉड को वी वेलोसिटी से इधर मूव किया तो जैसे ये रॉड मूव करना स्टार्ट होगी ना तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस रॉड के अंदर जो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे उन पर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की बात मैं अगर मैं बात करूं तो शायद आपको पता हो कि जो मैग्नेटिक फ़ोर्स होता है वो क्या होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यस और नो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है भाई तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो डायरेक्शन आएगा वो यहां से डिसाइड होगा वेलोसिटी क्रॉस भी तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा क्या सभी को चमक रहा है अगर ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं वो धीरे धीरे यहां इकट्ठे होने लग जाएंगे मेरे भाई अरे होंगे या नहीं होंगे क्या मैं कह सकता हूं रॉड के ऊपर वाले एंड पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और रॉड के नीचे वाले एंड पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे यहां पर ये चार्ज होना स्टार्ट होगा तो मैं समझ में आ रहा होगा कि इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लग जाएगा और बताओ उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा अब तुम सोचो कि यहां पर इस रॉड के अंदर यहां पे अगर तुम्हारे पास कोई एक चार्ज है चार्ज तो उस पर एफ फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा एफ ई और उस एफ ई की वैल्यू होगी क्यू इन टू यस और नो यस और नो तुम एक बात समझ पा रहे हो कि बेटा ये वाला फोर्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो ये वाला फोर्स कांस्टेंट है लेकिन जैसे जैसे चार्ज ऊपर बढ़ता चला जाएगा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो तुम्हें समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी सोचो क्या आनंद आ रहा होगा जिसने उसे उत्पन्न किया सोचो एफ ई को किसने डेवलप किया एफ एम ने वही उसका विरोध कर रहा है और एफई ही उसके अपोजिशन में लग रहा है अरे हाँ ना लेकिन आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि वक्त के साथ धीरे धीरे एफ ई बढ़ेगा 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 एफ एम कॉन्स्टेंट है एफ ई धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ रहा रहा है है भाई एक वक्त ऐसा आएगा जब स्टैटिक कंडीशन आएगी और उस समय एफ ई की वैल्यू क्या एफ एम के बराबर हो जाएगी मुझे एक्सप्लेन करने में तीन से चार मिनट जरूर लगे हूँ लेकिन ये इस स्टैटिक कंडीशन को आने में जो वक्त लगता है ना वो पता है कितना लगता है आपकी सोच से भी बहुत छोटा वक्त लगता है एंड दैट इज टेन रेस टू पावर माइनस नाइन सेकेंड्स मतलब टेन रेस टू पावर माइनस नाइन सेकेंड्स के अंदर ये स्टैटिक कंडीशन आ चुकी होती है मतलब हम ये कह सकते हैं किसी भी गिवन चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो चुका होता है और अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो यहां पर जनरल एक्सप्रेशन ये लिखूंगा कि स्टैटिक कंडीशन में द मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों का वैक्टर समीशन जीरो होना चाहिए बहुत बढ़िया एफ एम की वैल्यू आप जानते हैं क्या लिखेंगे क्यू मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी क्रॉस वी एफ ई की वैल्यू भी जानते हैं क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई वैक्टर इसका सम आप क्या कर देंगे जीरो कर देंगे और जब आप इसको जीरो करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी माइनस के वी क्रॉस वी क्या ये आया अब मुझे एक बात बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक तो सभी ने पढ़ा है मैंने सुना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हें यह पढ़ाया गया था कि किसी भी दो एंड्स के बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो अगर वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंटीग्रल ई डॉट डीएल होगा क्या ये सभी को पता है बेटा वाला ब्रांड लेते हो तुम लोग बहुत गरीबी है इतने सौ काहे पाल रखे हो ये पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे भाई दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ ई डॉट डी एल ई की वैल्यू ये रखी हुई है तो तुम्हारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन यहां से निकल करके आएगा ना माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन निकल के क्या आएगा वेलोसिटी क्रॉस बी डॉट डी एल वेक्टर दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर अ पोटेंशियल डिफरेंस ये आपको याद होना चाहिए ये एक्सप्रेशन में कोई वैलिडिटी नहीं है आप जब भी कैलकुलेट करना चाहते हैं v क्रॉस v डॉट डी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आगे देखेंगे कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाए क्या कॉन्सेप्ट समझ में सभी को आया अंकित भैया कॉन्सेप्ट समझ आ गया वाशने चौधरी <coughs> ये देखो ये देखो बढ़िया समझ आ गया ठीक है अब देखना मैं यहां पर आपके सामने एक केस लेकर के आया हूं जिसमें आपके सामने कोई भी रॉड है ये रॉड जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो किसी भी आर्बिटेरी शेप की भी हो सकती है मतलब ये जो रॉड है ये एक आर्बिटेरी वायर भी हो सकता है ठीक है भाई इस परफॉर्मिंग परफॉर्मिंगा ट्रांसलेटरी मोशन सुनना क्या क्या चीजें ट्रांसलेटरी मोशन वो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अच्छा व्हाट इज द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब आप क्या समझते हो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि उस गिवन वायर के हर एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी सुनिएगा रहा, रहा तुम्हारे सामने वायर ठीक है और ये वायर तुम्हारे सामने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन है और इस वायर को हम कर रहे हैं ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने का मतलब क्या हुआ इस वायर के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है सेम और सपोज मुझसे यहां पर यह बोला जाए कि इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में बता दो जल्दी से कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा मुझे जल्दी से बताना क्या तुम्हें फॉर्मूला याद है क्या इंटीग्रल ऑफ वी क्रॉस वी डॉट डी एक बात बताना वेलोसिटी हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की सेम है मैं यहां पर एक डीएल लेता हूं भाई ये ले लिया मैंने ठीक है ये रहा मेरा एक छोटा सा एलिमेंट डीएल लेकिन हर डीएल वेक्टर की वेलोसिटी भी सेम है मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है क्या ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इज्जत के साथ क्या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और अगर ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया तो तुम्हारे सामने क्या बचेगा वेलोसिटी क्रॉस बी और यहां पे बचेगा इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर और एक बात बताना अगर सारे डीएल वेक्टर इस तरीके से जोड़े जाए सारे डीएल वेक्टर इस तरीके से जोड़े जाए तो सारे डीएल को जोड़ करके मुझे उम्मीद है आपने पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा हो इन सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा क्या वो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं ए से बी को ज्वाइन कर दो या सीधे सीधे मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलता हूं या कुछ लोग इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं कुछ लोग इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं मतलब इस वायर के दो एंड पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आपको सिर्फ ए और बी को ज्वाइन कर देना तो इस एक्सप्रेशन को बेटे कैसे लिखा जा सकता है सुनना ध्यान से वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डॉट एल इफेक्टिव भाइयों मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं क्या आपने वेक्टर थ्री डी पढ़ा है क्या आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे दो फिजिकल क्वांटिटी का क्रॉस है तीसरे के साथ डॉट है क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी बोल सकता हूं क्या वी वी एल स्केलर ट्रिपलेट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये है इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन समझ में आया कि नहीं आया मुद्दे की बात यहां से हमें क्या क्लिक कर रही है जल्दी से देख करके बता तुमने अगर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है तो तुम्हें एक बात याद होगी कि ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरल मतलब मान वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैडरल है या फिर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड एल के पैरल है मतलब कोई भी दो अगर आपस में पैडरल हो गए तो इन दैट सिचुएशन वॉट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट या इसको ई एम एफ बोल रहा हूं क्या वो जीरो हो जाएगा आपका यस yes, और ये जो चर्चा हो रही है ये कब हो रही है याद रखना इस बात को ट्रांसलेटरी मोशन होना चाहिए एल इफेक्टिव का मतलब समझ में आया मतलब आज के बाद आपके पास वायर किसी भी शेप का हो और अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मुझे वायर की शेप पे फोकस करना है क्या मुझे वायर की शेप पे फोकस नहीं करना वायर के दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना बहुत बढ़िया मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ चुकी है कि आज के बाद जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा तो इन तीनों के उन कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा जो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो या सर नो जैसे कि एक सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आता हूं देखिएगा ध्यान से आ, एक मिनट ये तो हमने पढ़ ही लिया जैसे भाइयों ये सवाल है तुम्हारे सामने क्या दिखाई दे रहा है सभी को यहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है देखो ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इन साइड द प्लेन ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस आपको आर दिया हुआ है और इसका वेलोसिटी आपको इस समय वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है इसका वेलोसिटी आपको इस समय वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है और आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर मैं इस वायर के दो एंड पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ ये ए और बी तो इन दो एंड पॉइंट्स के बीच में बताइए कितना ई एम एफ इंड्यूज होगा सवाल आपके सामने फाइंड द इंड्यूज ई एम एफ बिटवीन द टू टर्मिनल्स ए एंड बी एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है बी पार्ट बी पार्ट और ए पार्ट में बस इतना सा फर्क है जितना आप देख पा रहे होंगे कि वेलोसिटी इस केस में इधर है और इस केस में इधर है मेरे भाई बंधु सवाल की तरफ फोकस करिएगा निगाहें स्क्रीन पर रखिएगा और जल्दी से बताइए इन दोनों सिचुएशंस में जो आपका emf इंड्यूस होगा वो क्या होगा पहले वाले केस में कितने लोगों का आंसर जीरो आ गया बहुत बढ़िया आनंद आ गया पहले वाले केस में जरा ऑब्जर्व करना अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बेटा ये इफेक्टिव लेंथ होगी तुम्हारी दिस इज l इफेक्टिव हां या ना लेकिन सिर्फ एल इफेक्टिव मत देखो जरा ऑब्जर्व करो क्या तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर और इफेक्टिव लेंथ एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं क्या जरा ऑब्जर्व करो क्या तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर और इफेक्टिव लेंथ एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है क्या और अगर पैरेलल आ गया तो अभी तो थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी कि इस केस में जो ई एम एफ इंड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा जीरो अगर आपने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा लेकिन क्या इस केस में भी आंसर जीरो आएगा क्या नहीं

ये सेम सवाल आपको जे मेन्स में मिलेगा अगर आप पीवाई सॉल्व करेंगे एज इट इज सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्या लगता है समझ में आया कि नहीं आया क्या लग रहा है मेरे भाई को समझ में आया कि नहीं आया कर पाओगे क्या इस तरीके के सवाल तुम्हारे सामने आएंगे तो देख के छोड़ दोगे या फोड़ दोगे जल्दी बताओ देख के ऐसे सवालों को छोड़ दोगे या फोड़ दोगे क्या लग रहा है मेरे भाइयों आनंद आ रहा है आनंद की अनुभूति हो रही है रात के साढ़े ग्यारह बज गए भाई लोग माहौल एकदम तगड़ा है एकदम सेट है एक और सवाल सुनेगा ध्यान से कभी कभार सवाल को टफ बनाने की कोशिश की जाएगी जबरदस्ती का किस तरीके से सुनना उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास ए रॉड हमने कहा ठीक है क्या करें उन्होंने कहा कि इस रॉड की जो लेंथ है वो पांच मीटर है हमने कहा ओके इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी हुई है हमने कहा ठीक है कितनी दी हुई है कहा ओके थर्टी सेवन डिग्री मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर ये दिया हुआ है फाइव के कैप यह आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है यह आपके रॉड दिखाई दे रही है क्या सभी को ये रही रॉड ये रॉड तुम्हारे पास पांच मीटर लंबी रॉड कि रॉड जो है वो x एक्सिस के अलग मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वन मीटर पर सेकेंड और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये दिया हुआ वैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है देख रहे हो विनोद सवाल को कैसे घुमाया जा रहा है मोशनल ई के सवालों को जबरदस्ती टफ बनाने का कोशिश किया जा रहा है इस बार मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थ्री स्पेस में दिया हुआ है कैसे घुमा घुमा करके सवाल पूछे जा रहे हैं अगर ये सवाल आपके सामने आ जाता है ये आपके सामने जो रॉड है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है किसमें रखा है भाई जल्दी बताओ दो तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के एक तरीका तो यह है कि सीधे सीधे आप इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लें इन दोनों का क्रॉस कर दें और तीसरा इसके साथ डॉट कर दें वेलोसिटी वेक्टर एक बात बताना वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिखोगे क्या मैं वेलोसिटी वेक्टर को आई कैप लिख दूं और अगर मैं आपसे एल वेक्टर पूछूं एल वेक्टर तो आप देख पा रहे होंगे इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं ये एंगल सैंतीस डिग्री है मेरे भाई पाँच मीटर फाइव कॉस्ट थर्टी सेवन या सॉ नो तो ये हो जाएगा चार मीटर ये हो जाएगा तीन मीटर मतलब मैं एल वेक्टर को यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कैसे फोर आई कैप प्लस थ्री जे कैप ना। तो यहां पर कुछ भी समझ में ना आए या तो आप ऐसे कर सकते हैं और एक तरीका भी बताया था कि तीनों के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो जरा ऑब्जर्व करना वेलोसिटी जो है क्या वो के कैलॉन्ग है बहुत बढ़िया इस एल के दो कंपोनेंट कर दिए एक चार मीटर और एक तीन मीटर तो यहां पे रॉड का वो वाला कंपोनेंट लो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कौन सा है वो कंपोनेंट तीन है या चार है देखो ध्यान से तीन है या चार है देखो ध्यान से तीन है बेटा वो तो देखो एल का हमने वो कंपोनेंट ले लिया जो वाई के अलॉन्ग है ठीक ये लो भाई अब बी का वो कंपोनेंट ले लो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है फाइव है परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है 5 है तो सीधे सीधे ई का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ पाँच L की वैल्यू तीन गुणा वन मेरे हिसाब से यहाँ से आंसर आपका पंद्रह वोल्ट आ जाएगा कितने भाई लोगों का पंद्रह वोल्ट आ गया अक्षत वर्मा कह रहे हैं कि सर एक मिनट का ब्रेक दे दो इस क्वेश्चन के बाद पानी भरना है अबे कहाँ पानी भरने जा रहे हो तुम कहा पानी भर रहे हो ग्लास में पानी भर रहे हो शौक बहुत बढ़े बेटा तुम्हारे बिना पानी के ले लो एक बार कोई दिक्कत की बात नहीं है नीट भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया <coughs> बहुत बढ़िया माहौल इज सेट ओपी ओपी चिल्ला रहे हैं भाई मुझे लगता है कि काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं बढ़िया बढ़िया बढ़े आगे बढ़े कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वेक्टर फॉर्म में कभी दिया होगा देख के घबरा दोगे क्या नहीं घबराओगे बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं भाई अगला सवाल फाइंड द ईएमएफ दफ इन द रॉड इस बार थोड़ा सा और अच्छा सवाल इस बार आपके पास जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म ना होकर के नॉन यूनिफॉर्म है क्वेश्चन क्या है मैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बार आपके पास ये रॉड है और ये वी वेलोसिटी से आप देख पा रहे होंगे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और देयर इज अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यहां पर आपके सामने एक वायर है बेटा और इस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है लेकिन इसमें आ आई जा रहा है ठीक अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा मुझे एक बात बताना यहां पर क्या मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं क्या वीएलबी आप कहोगे देखो सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और रॉड जो है वो एक्सिस क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाया जा सकता है क्या नहीं लगा सकते बिल्कुल नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते मेरे भाई जरा ऑब्जर्व करना यहां पे जो फील्ड दिया हुआ है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है वो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म क्योंकि आप जानते हैं एक वायर की वजह से यहां से एक्स डिस्टेंस पर अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल भी किया था जब आप फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो फील्ड आता है म्यू नॉट आई अपॉन टू बाई एक्स तो इसको करने का तरीका पता है क्या होगा इसको करने का तरीका क्या होगा कि x डिस्टेंस पे जाके आप यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करें डीएक्स वर्थ का और आप इस छोटे से एलिमेंट में निकालेंगे कि कितना ई एम एफ इंड्यूस हुआ है और फिर उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है इस छोटे से एलिमेंट में कितना इंड्यूस होगा यहां पर फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई इसकी कितनी है डी एक्स एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे मेरे भाई कहां से कहां से कहा प्लस एल से लेकर के ए तक यहां पे ऑब्जर्व करो जो कांस्टेंट है मैं इज्जत के साथ बाहर निकाल दो म्यू नॉट आई वी डिडेड बाई टू पाई म्यू नॉट आई वी डिड बाई ट वन अपॉन एक्स को इंटीग्रेट करोगे एल एन आएगा आपको शायद समझ आ गया होगा एल एन ए प्लस एल अपॉन ए क्या यहाँ से आपके पास इंड्यूस ई एम एफ की वैल्यू आ जाएगी क्या बहुत ही आसान सवाल है इंपॉर्टेंट ये है कि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेट कर देंगे चेक करना आंसर सही आ रहा है क्या एक भैया कह रहे हैं सर आपने गलत सॉल्व किया है, है? गलत सॉल्व किया है कहां गलत किया है बेटा विष्णु राज कह रहे हैं सर ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू थैंक यू सो मच थैंक यू बेटा सिलेक्शन चाहिए बेटा तुम्हारा रिस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा रिस्पेक्ट गया तेल लेने सिलेक्शन चाहिए भाई लोगों का अपन को सभी को समझ आया चलिए बहुत बढ़िया मैंने सही किया यार मेरा आंसर यही आ रहा है कीर्तन तुम बताओ यार तुम्हारा आंसर यही आ रहा है क्या ये बोल रहे हैं कि सर कैलकुलेशन एरर है म्यू नॉट चेक कर लें क्या दोबारा आई भी तुम लोग भी चेक करो भाई आंसर गलत बता रहे हैं उज्जवल मिश्रा सर फ्रॉम बी एल वन बी एल वन आज का लेक्चर इज कंप्लीटली डिवोटेड टू द बैच बी एल वन वन ऑफ माई फेवरेट बैच जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स मैं उस बैच को कंटिन्यू नहीं कर पाया लेकिन उस बैच के स्टूडेंट्स का जो डिवोशन था जो डेडिकेशन था पढ़ने को लेकर के वाकई में अमेजिंग था तो लव यू ऑल माई ओल्ड स्टूडेंट्स फ्रॉम बी एल वन बैच सही आ रहा है भाई सही आ रहा है सब लोगों का यही आ रहा है तुम लोग यार क्या कर देते हो ऐसे घुमा रहे हो ना मेरे को चलो भाई चलो भाई आगे बढ़ते हैं हमने अभी तक रॉड को ट्रांसलेट किया तुमने पिछली वाली जो सिचुएशन देखी थी उसमें हमने देखा कि अगर एक रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेट हो रही है तो कितना ई एम होगा अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो चर्चा करने जा रहा हूँ इंड्यूज कब ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अ वायर मतलब ये जो वायर है ना ये रोटेट कर रहा है मतलब फिक्स एक्सेस रोटेशन कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये कह रहे हैं सर एक्सेल वालों को भूल गए क्या अरे भाई एक्सेल वाले और कॉन्कर वाले तो अपनी फैमिली है भाई ये तो अपनी क्लोज फैमिली है भाई इनसे तो रोज मुलाकात होती है ई एम कितने लेक्चर चलेगा कल तक बाइंड अप कर देंगे बेटा ठीक है तुम बस तुम यार टाइम की परवाह मत करो तुम लेक्चर अटेंड करो और देखो आनंद उठाओ ई एम एफ इंड्यूज द रोटेशन ऑफ वायर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से सुनना इस केस में जो ई एम एफ इंड्यूज होगा पहले तो मैं उसका फॉर्मूला लिखूंगा इस केस में सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा किसी को फॉर्मूला याद है तो बताया जल्दी अगर एक रॉड ओमेगा से घूम रही है तो उस केस में जो ई एम एफ इंड्यूज होगा वो होगा बी ओमेगा बाई टू आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर मतलब ये रॉड जो आप देख पा रहे हैं ये रॉड आपको दिखाई दे रही है इस रॉड के दो एंड पॉइंट्स हैं एक एंड पॉइंट ए और एक एंड पॉइंट बी ये बोथ ऑफ द एंड पॉइंट्स सेंटर से आर वन और आर टू की दूरी पर है तो इसमें जो ई एम एफ इंड्यूज होगा ना उसकी वैल्यू आप बी ओमेगा बाई टू आर टू स्क्वायर माइनस आर सबसे इंपॉर्टेंट पहले तो मैं आपको कहूंगा ये फार्मूला याद करो याद करो बेटा डायरेक्ट फार्मूला पे भर भर के सवाल आए भर भर के मुद्दे की बात इस फॉर्मूले में क्या याद रखनी है तुम्हें आर वन और आर टू क्या है आर वन एंड आर टू आर डिस्टेंसेस ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ अ वायर कहां से एंड पॉइंट ऑफ वायर कहां से फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन क्लियर है बात इसे नोट डाउन करो फटाफट सेंटर ऑफ रोटेशन से आर वन और आर टू डिस्टेंस और इस फॉर्मूले में जब भी वैल्यू पुट करो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना यहां पर कोशिश करना कि हमेशा R2 की हमेशा आर टू की वैल्यू आर वन से ज्यादा रहे तो क्या होगा ओवरऑल आइटम पॉजिटिव बन जाएगा और डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन देखना तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और अंदर की तरफ है

से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करो थम जिस डायरेक्शन में आ जाए वो पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा जैसे कि इस वाले केस में अगर मैं पूछूं ए और बी में से कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा ऑब्जर्व करो वेलोसिटी ऊपर और फील्ड अंदर तो ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा हाथ चलाओ बेटा हाथ चलाओ नहीं तो हाथ तोड़ देंगे बता रहे हैं घुमा घुमा करके हाथ तोड़ देंगे बता रहे हैं राइट हैंड रूल का यूज करना है लेफ्ट हैंड लोग भी राइट right हैंड का ही यूज करें ये मत सोचें कि सर मैं तो लेफ्ट हैंड से लिखता हूं क्या मैं लेफ्ट हैंड रूल बना लू क्या अपना रूल मत बनाओ नालाइको अपना रूल मत बनाओ वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड कल करो देखो जरा ध्यान से बहुत बढ़िया अब देखना यहां पर मैं आपको कुछ अब ये बता देता हूं इसका प्रूफ तुम भैया खुद से करना ये प्रूफ नहीं बता रहा ठीक है प्रूफ तुम खुद से करना ठीक है लेकिन ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है मैं आपसे चाहूंगा कि फार्मूला याद रखो सर क्लास कितनी देर और चलेगी बस थोड़ी देर और चलेगी उसके बाद खत्म कर देंगे ठीक है ज़्यादा नहीं बचा हुआ है बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जैसे मान लो ये रॉड दी हुई है तुम्हें दिखाई दे रहा है देखो ध्यान से ये रॉड है तुम्हारे सामने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन रॉड के मैंने दो पॉइंट कंसिडर किए हैं इस रॉड की लेंथ एल है एक पॉइंट सेंटर पे लिया एल बाई टू और एक पॉइंट यहाँ पे लिया इस मोमेंट पे मान लेते हैं इस रॉड की जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है फाइंड क्वेश्चन सुनना ध्यान से फाइंड पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए आपको ये बताना जल्दी बताओ भाई। रोड के मत बैठो नींद आ रही है तुमको अबे को नींद आ रही है तुमको उठो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ बैठा हुआ है सुबह से चार ऑफलाइन क्लासेस ले चुका है और पिछले ढाई घंटे से टिका हुआ है और तुम लोग सो रहे हो थोड़ी तो शर्म करो मेरे भाइयों मैदान में टिकना है जल्दी बताना क्या लगाओगे फॉर्मूला क्या आंसर आ चुका है पहले जब भी इन सवालों को सॉल्व करना हो तो देखना मैं एक तरीका बताता हूँ आपको पहले तो आप ऐसे लिखेंगे बी ओमेगा बाई टू पॉइंट ए की दूरी आपको दिखाई दे रही है एल बाई टू है और पॉइंट बी की दूरी कितनी है यहाँ से एल है तो जो ज्यादा है उसको पहले पुट करेंगे जो कम है उसको बाद में पुट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे ठीक है भाई यहाँ तक समझ में आया अब इसके बाद हमें यह भी चेक करना होगा ना कि ए और बी में से कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पर है मतलब हम आगे प्लस लगाएं या आगे माइनस लगाएं उसको देखने का तरीका क्या है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और यहां पे इस रीजन की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ होगी यस और नो अब आप ऑब्जर्व करिए वेलोसिटी आपकी नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है जब आप अपने राइट right हैंड का यूज करते हैं तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करेंगे तो देखो थम कहाँ आ रहा है बाहर की तरफ आ रहा है तो जिस तरफ थम आएगा वो पॉइंट आपका हाई पोटेंशियल पे होगा मतलब इस वाले केस में बी वाला पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पे होगा इसका मतलब आगे तुम्हें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्या यही आंसर हो जाएगा आपका या नो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वो तुम कर लेना कर दूं क्या सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कितना आ गया ये आंसर यहाँ से बेटा तुम्हारा बहुत बढ़िया क्लास ने आंसर बता दिया थ्री बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट इस प्रोफाइल पर आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे जैसे कि ध्यान से देखना मेंस दो में एक सवाल पूछा गया मैं चाहूंगा कि यह सवाल आप लोग खुद करें। यहां पर आपके सामने एक मेटेलिक रॉड है क्या है एक मेटेलिक रॉड क्या सभी को दिखाई दे रही है और इसकी लेंथ एल है ये रही वो रॉड जो आप लोग देख पा रहे हैं इसको एक रस्सी से कनेक्ट किया है टू एल इज मेड टू रोटेट क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन दिख रहा है क्या सभी को इफ देर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड द द ऑफ अ देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है एक रॉड है और एक स्ट्रिंग है ये जो स्ट्रिंग है ना ये ये है वो स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की लेंथ है टू एल और रॉड की लेंथ है एल जल्दी बताना कितना ई एम एफ इंड्यूज होगा रॉड के दोनों एंड्स को देखो उसमें से एक एंड आपका टू एल्व डिस्टेंस पर है और एक एंड आपका थ्री एल डिस्टेंस पर है क्या आप डायरेक्टली यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बी ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर यस और नो ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेना गलती मत कर देना बता रहे उठा के फेंक देंगे बता रहे ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस एल होगा या थ्री एल होगा थ्री एल होगा तो यहां पर थ्री एल का स्क्वायर करोगे और दूसरे वाले एंड का डिस्टेंस एक्सेस ऑफ रोटेशन से कितना होगा 2l होगा तो यहां पे ये 2l का स्क्वायर होगा आंसर बताओ क्या आ रहा है जिसको r1 r2 लेना आता है ना वो आंसर बहुत आसानी से लिख सकता है क्या आंसर दिल्ली आ रहा है ये लोग खत्म हो गया क्या आंसर आप लोग का भी दिल्ली आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत बढ़िया <coughs> आगे बढ़े भाई अमित सिंह बेटा जाकर के पढ़ लो ये ओपी ओ पी करने से तुम्हारा सिलेक्शन थोड़ी ना हो जाएगा इससे अच्छा है कि थोड़ा ज्ञान ले लो तो कुछ भला हो जाएगा तुम्हारा ना लाइक अब देखना ध्यान से मान लो तुम्हारे पास जो रॉड है ना रॉड उसकी शेप कुछ भी हो सकती है मतलब वो एक आर्बिटरी शेप का वायर है और इस पॉइंट ओ के अबाउट उसे रोटेट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं देखना आप सिचुएशन और तुम ये मान करके चलो कि जो पॉइंट ए है ना उसका डिस्टेंस है डिस्टेंस है 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 आर आर ए और पॉइंट बी बी का जो ना वो आर है। आपको सिचुएशन समझ में आ रही है किस तरीके की सिचुएशन है ये वायर जो है ना वायर इसमें जो पॉइंट बी है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है और जो पॉइंट ए है वो ऐसे रोटेट कर रहा है ये वायर जो है वो पॉइंट के अबाउट इस तरीके से रोटेशन कर रहा है तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए और आपसे पूछा जाए कि इन वायर के के बीच में बताओ कितना जब भी दिया हो ना तो तुम सिर्फ और सिर्फ क्या देखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है मतलब इस क्वेश्चन को तुम एग्जैक्टली exactly ऐसे डील कर सकते हो जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक रॉड होती सुनना ध्यान से क्या होती एक रॉड और उसका यह वाला जो पॉइंट है वो आर ए डिस्टेंस पे होता और यह वाला जो पॉइंट है वो आर डिस्टेंस पे होता और रॉड इस तरीके से ओमेगा से घूम रही होती तो क्या तुम बता सकते थे कि दो टर्मिनल के बीच में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा हाँ या ना तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू लिखूंगा बी उमेगा मल्टीप्लाइड बाय आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर मतलब आज के बाद अगर एक वायर आर्बिटरी शेप का भी दिया हुआ है तो भी टेंशन नहीं लेनी अपन का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें उस वायर के दो एंड पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से अगर वो पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा मतलब आज के बाद तुम्हें वायर की शेप की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोफाइल पर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे आपको अभी अपने आप समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन है ये रिंग इस पॉइंट ओ पर हिंज है मैंने इस रिंग पे कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं डायमेट्रिकली एंड पॉइंट्स इस रिंग का जो रेडियस है बेटा वो आर है। इस रिंग का रेडियस क्या है तो आपसे पहला पार्ट पूछा गया ओ और बी पॉइंट के बीच में बताओ कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो जल्दी से बताना ओ और बी के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्या मुझे इस रिंग की शेप से कोई मतलब है क्या क्या मुझे इस रिंग की शेप से कोई मतलब है क्या नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्जर्व करूंगा कि जो पॉइंट बी है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है दैट इज टू आर पॉइंट ओ का डिस्टेंस कितना है जीरो तो मैं यहां पर जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बी ओमेगा बाई टू इंटू टू आर का होल स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ जाएगी टू बी उमेगा अब ये भी चेक कर लो कि ओ और बी में कौन सा पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा वो चेक करने का क्या तरीका है सिंपल सा आप इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे आपके पास एक रॉड होती जिसका ये पॉइंट ओ होता ये पॉइंट बी होता और ये रॉड अगर ऐसे ओमेगा से घूम रहा होता तो देखो इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ आती मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है जरा अपने राइट हैंड का यूज करो वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या थम ओ की तरफ आ रहा है तुम्हारा तो ओ की तरफ आ रहा है इसका मतलब पॉइंट ओ हाई पोटेंशियल पे होगा पॉइंट बी लो पोटेंशियल पे होगा मतलब आगे प्लस आएगा नेगेटिव नहीं आएगा इस समय पॉइंट ओ हाई पोटेंशियल पे बेटा अगर मैं इसी तरीके से ओ और ए के बीच में पूछता क्या निकाल पाते बहुत ही आसान है आपको समझ में आ रहा है ए वाले पॉइंट का ये डिस्टेंस जो है क्या वो आपको दिखाई दे गया क्या क्या ए पॉइंट का डिस्टेंस आप सभी को दिखाई दे रहा है क्या भाई क्या पॉइंट ए का डिस्टेंस यहाँ पे हमें साफ साफ रूट टू आर दिखाई दे रहा है और पॉइंट ओ तो ऑरिजिन पे है ही तो बताओ यहां पर तुम्हारा आंसर क्या आएगा बी उमेगा बाई टू इंटू रूट टू आर का होल स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कितना आ गया बी स्क्वायर कितने आसान सवाल इसी तरीके से ए और बी के बीच में पूछा जाता तो ए और बी के बीच में वैसे तो इसमें से इस इक्वेशन को सब्टैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा और नहीं तो डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या होगा बी ओमेगा बाई टू पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना है टू आर एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या सभी को दिख रहा है

भाई यो क्या लग रहा है कैसा लग रहा है आनंद आ रहा है कुछ लोग तो भाई सुलट चुके हैं निपट गए कुछ भाई लोग तो मुझे लग रहा है नशे में आकर के सो चुके हैं कुछ लोग अभी उठ के आए होंगे एक नींद पूरी कर ली होगी कुछ लोग शॉट मार के आए होंगे तुम्हारे क्या हाल है भाई उपल कुमार सर कैन यू स्टार्ट नेक्स्ट क्लास फ्रॉम नाइन थर्टी बेटा ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वो शेड्यूल तो हम पहले ही शेयर कर चुके हैं कुछ लोगों की तो नींद पूरी होगी गुड इवनिंग एवरी वन गुड नाइट कुछ लोग अभी नींद पूरी करके आ रहे हैं कुछ लोग सोने जा रहे हैं लेकिन भाई की क्लास चलती रहेगी भाई रुकने वाला नहीं है बिल्कुल चलन दो चलन दो माहौल सेट है भाई ई एम आई एक शॉर्ट में इमोशनल ई एम एफ में हमने कितने सारे केसेस कवर कर लिए ट्रांसलेट कर रहा हो रोटेट कर रहा हो यूनिफॉर्म फील्ड हो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जनरल एक्सप्रेशन देख लिया रोटेट कर रहा हो और क्या लोगे भाई ढाई घंटे में कहाँ तक पहुंच चुके हैं भाई? राज कह रहा सुबह छह बजे से क्लास है बिल्कुल क्लास मत लो भाई का जोश बहुत आई है भाई की एनर्जी तुमसे ज्यादा आई है भाई अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है रात के बारह बजने वाले हैं सोचिए है, कितना आनंद आ रहा होगा चलो भाई आगे बढ़े माहौल सेट ऑल इज वेल थकना नहीं है भाई मैं नहीं रुकने वाला जिसको जाना है वो चले जाए अपनी क्लास तो ऐसे ही चलती रहेगी भाई अब यार मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की इच्छा रखता हूँ क्योंकि देखिए इमोशनल ई पे मैं ऑलमोस्ट सारे केस डिस्कस कर चुका हूँ ठीक है अब अपन लोग कुछ ऐसे सवाल लेकर के आ रहे हैं जिसमें मेकेनिक्स और ई के कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज किया जाए एक दो सवाल और करेंगे भाई दस मिनट का सेशन और लेंगे बारह बजते ही भाई लोग छुट्टी कर देंगे ठीक है मिनट तक तो सपोर्ट करोगे ना सब लोग कौन कौन दस मिनट तक सपोर्ट करने वाला भाई? दस मिनट और लूंगा बस दस मिनट बस इसके बाद इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कल शुरू करेंगे नौ बजे इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड कल पूरा ई बाइंड अप कर देंगे और परसों एसी बाइंड कर देंगे ठीक है भाई टेंशन मत लेना आज के लेक्चर के नोट्स तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे तुम लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हुए हो एक तो अपना कोटा पल्स का चैनल है और एक अपना चैनल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाना भाई जिससे तुम्हें अपडेट मिलती रहेगी बराबर भाई माहौल तगड़ा है भाई तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में पता है चलो बता देता हूं तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक ले, ले लेते हैं भाई है ना मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स लव द आर वाई नोट कर लो भाई कहीं कोई स्पेस नहीं है ये टेलीग्राम लिंक है फिजिक्स बाय आर वाई अन एकेडमी एजुकेटर इस पर तुम्हें क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी ठीक है कोटा पल्स चैनल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है भाई सेशन एंड होने वाला है जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या इस सेशन को लाइक नहीं किए तो कर देना भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तो आपको पता है कि ये सारी क्लासेस जो चल रही हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो अभी तक बारह बजे तक जगी हुई है ऐसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जो अभी तक बैठे हुए हैं और मजबूरी में हमारी क्लासेस सुन रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सर की क्लास खत्म होगी और कब हम अपने घर जाएंगे तो हम हाँ, इन सबका मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप ये कर सकते हो इतना तो कर ही सकते हो ना भाई चलो भाई आगे बढ़े अ कंडक्टिंग रॉड इज गिवन अ वेलासिटी वी नॉट एज शोन इन फिगर सवाल सुनिएगा बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने लेकर के आया हूं यहां पर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ कवर करूंगा यहां पे आपके पास एक स्लाइडर है ये स्लाइडर इस समय जिस पोजीशन पे है वो एक्स बराबर जीरो है और इस समय जो वक्त हो रहा है वो टी बराबर जीरो है यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको वी नॉट दिया हुआ है सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है और टी बराबर जीरो पर इस स्लाइडर को वी नॉट वेलोसिटी देकर आपने आगे फेंका एक बात बताना अगर एक स्लाइडर को तुमने वी नॉट वेलोसिटी देकर के आगे फेंका तो क्या ये स्लाइडर इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा या धीरे धीरे इस स्लाइडर की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी जल्दी बताना शायद आपको समझ में आ रहा कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी। जैसे स्लाइडर मूव करना शुरू करेगा यहां इस सर्किट में करंट आएगा मानते हो इस बात को और जनाब जैसे ही करंट आया तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है इस स्लाइडर के ऊपर एक फोर्स लगेगा बिल पीछे की तरफ तुम सोचो वेलोसिटी आगे है और बिल पीछे लग रहा है तो क्या ये बिल धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को कम करेगा और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी सवाल आपके सामने पूछा जा रहा है कि आपको किसी भी जनरल टाइम टी पर और किसी जनरल पोजिशन पर बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी इन सवालों को डील करने का तरीका पता है क्या होता है किसी भी जनरल टाइम टी पर हम अपने सर्किट में सिचुएशन को देखते हैं किसी जनरल टाइम टी पर मान लेते हैं स्लाइडर की वेलोसिटी वी है तो ई एम एफ होगा वी एल बी और इस समय आप इस सर्किट में करंट निकालिए आई क्या निकालिए बेटा करंट करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी वीएल बी बटे आर क्या ये सभी को समझ आ गया मतलब पहला स्टेप आपको क्या करना है किसी जनरल टाइम टी पर आपको सर्किट में केवीएल लगाना है मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या हम ये कह सकते हैं सर्किट में अपना करंट निकाल लेना है ठीक है भाई I निकल के आ गया मुझे एक बात बताना यहाँ पे जो फोर्स फोर्स लग लग रहा है, लग रहा है है ये पीछे की की तरफ ऑब्जर्व करना वैल्यू तुमने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी R. और यहां से तुम्हारे पास इस फोर्स की जो वैल्यू है ये कितनी आ रही है माइनस के सॉरी बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू वी क्या यहां से फोर्स की वैल्यू ये आ रही है बेटा जल्दी से देखना लेकिन ये फोर्स पीछे लग रहा है अगला स्टेप ये है कि इस फोर्स को बराबर करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के इस फोर्स को बराबर करेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के यस और नो तो मैंने यहाँ पे लिखा मास इंटू एक्सेलेशन लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देता हूँ ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया क्योंकि ये रिटार्ड कर रहा है वेलोसिटी आगे है लेकिन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है इससे डिवाइड मारोगे तो जरा ऑब्जर्व करना यहां पे जो एक्सेलरेशन तुम्हारे पास निकल के आएगा वो आएगा बी स्क्वायर एल स्क् अपॉन एम आर इन टूसिटी एक बात बताना क्या ये टर्म तुम्हारा कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी मैग्नेटिक फील्ड लेंथ मास और रेजिस्टेंस क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है तो क्या मैं इस पूरे क्वांटिटी को के बोल दूं तो कोई तकलीफ है? तो क्या मैं यहां पर यह लिख सकता हूं कि एक्सीशन माइनस के भी इस तरीके के सवाल तुम कैनामेटिक्स में सॉल्व कर चुके हो तुम्हें तो दिख रहा होगा कि ये फोर्स बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे एक विस्कस फोर्स बिहेव करता है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या ये फोर्स आपका वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है क्या आपको लॉ लॉ याद याद है अगर आपको याद हो तो वहां पे पाई ईटा आर वी एक विस्कस फोर्स लगा करता था जो कि वेलोसिटी के अपोजिट होता था वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता था तो मैं नहीं लग रहा है, ये सवाल बिल्कुल एज इट इज वैसा ही बन गया सेम एनालॉजी यहाँ पे जो बिल फोर्स है क्या एक विस्कस फोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तुम बताओ अगर तुम्हारे पास यहां पर एक्सेलरेशन आ गया दैट इज माइनस ऑफ के बी और इसके बाद अब इस सवाल को सॉल्व करना है तो मैं पहले वाले पार्ट में क्या पूछा गया वेलोसिटी बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी तो क्या करना होगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप सॉल्यूशन बताओ नेक्स्ट स्टेप एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे एक्सेलरेशन को लिखोगे सिंपली डीवी वी बाई डी टी और इस वैल्यू को मेरे भाई लिख दोगे माइनस के वी क्योंकि हम विलॉसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना चाहते हैं इसलिए हम एक्सेलरेशन को जब हम लिखेंगे तो विलासिटी को सॉरी एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे डी वी बाई डी टी यहाँ से क्या लिखोगे डी अपॉन वी मैंने सुना है तुम्हारा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है भाई क्या इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए टी बराबर जीरो पर वेलोसिटी है वी नॉट किसी जनरल टाइम टी पर वेलोसिटी है वी क्या वन अपॉन वी को इंटीग्रेट करोगे जनाब तो यहां से एक्सप्रेशन निकल के आएगा एल एन वी डिवाइडेड बाई वी नॉट और ये वैल्यू तुम्हारे पास आएगी निकल के माइनस के के टी अरे हाँ या ना तो जल्दी से बताना भाई यहाँ से वी बराबर क्या वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी आ चुका है क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रही है यहां पर अगर आप वी टी ग्राफ ड्रा करते हैं मतलब तो अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम कहेंगे कि टी बराबर जीरो से वेलोसिटी लगातार घटती चली जाएगी और ये डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल डिके होगा यस और नो बहुत बढ़िया देखो यार यहां तक तो समझ में आता है यहां तक मैंने आपकी मदद कर दी पहला केवीएल लगाया और सेकंड हमने क्या किया एफ बराबर एम ए न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया इसके बाद तो आपको समझ में आ रहा होगा काइनामेटिक्स है जैसे अगले पार्ट में आपसे जो पूछा गया है वो पूछा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो बताना नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बस मैं यहां पर यह कह सकता हूं जब मैं यहां एक्सेलरेशन लिख रहा हूं तो मुझे एक्सेलरेशन को रेदर देन टू राइट डाउन द डी वी बाई डी टी मुझे कैसे लिखना चाहिए शायद आपको काइनामेटिक्स आती हो तो भाइयों आपको याद होगा कि आप एक्सेलरेशन को क्या वी इंटू डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये वैल्यू आएगी माइनस के के वी बेटे वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा बड़ा ही अच्छा सा आपका एक्सप्रेशन बन गया डी वी बराबर सीधे सीधे क्या लिखोगे माइनस के के इंटू डी एक्स इसको मार दोगे क्या इंटीग्रेट जीरो से एक्स वी नाट से वी क्या मामला एकदम सतर है भाई क्या वी माइनस वी नॉट बराबर माइनस के के एक्स आ गया क्या क्या भाई आपको दिखाई दे रहा है वी बराबर वी नॉट माइनस के एक्स आ रहा है मतलब वेलोसिटी पोजीशन के साथ लीनियरली चेंज हो रही है अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपको देखकर के समझ में आ रहा होगा कि यहां पर v वर्सेस x का ग्राफ लीनियर बनेगा यस और नो और अगर मान लो आपसे यहां पे ये पूछा जाता कि ये स्लाइडर टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा मान लो सी पार्ट में आपसे ये पूछा जाता टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा तो क्या निकाल पाते टोटल डिस्टेंस मतलब जब ये रुक जाएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और तुम्हें समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी को जीरो कर दोगे तो यहां पे देख के समझ आ रहा है V0 -KX को जीरो कर की वैल्यू तो यहां से केम आर और नो मतलब हम यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं बेटे वी नॉट अपॉन के वैल्यू क्या डिवाइडेड बाय आर दिस इज अ टोटल डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट डिस्टेंस आपका फाइनाइट आ रहा है लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कितनी देर बाद रुकेगा टाइम पूछे तो आप कहेंगे टाइम विल बी इनफाइनाइट सुनिए अच्छा सवाल है समझ में आया कि नहीं आया हाउ वॉज इट ऑल इज वेल आई होप सो कि ये सवाल समझ में आया होगा दिस इज अ टोटल डिस्टेंस हाउ वाज इट इसमें आपने देखा मैकेनिक्स का भी हमने यूज किया और ईएमआई के कॉन्सेप्ट्स का भी यूज किया और भी इस तरीके के सवाल करेंगे लेकिन अब कवर करेंगे अगले सेशन में मुझे ऐसा लग रहा है मेरे भाई लोग थक चुके हैं लगातार पिछले तीन घंटे से मैदान में टिके हुए हैं सलूट है उन सभी भाई लोगों को जो पिछले तीन घंटे से लगातार मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार रिप्लाई भी दे रहे हैं और आंसर्स निकाल रहे हैं लेकिन आज का सेशन सिर्फ यही कंप्लीट नहीं होता मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने आज टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन पर आप जाकर के जेई मीन्स के पी वाई क्यूज को जरूर सॉल्व करिएगा जब भी आपको टाइम मिले तब मैंने कोशिश करी कि इस कम इंटरवल के अंदर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को बाइंड अप करूं वैसे आप भी जानते हैं चैप्टर बहुत बड़ा है हाउ वॉज द सेशन कैसा रहा आज का सेशन हाउ वॉज इट जस्ट गिव योर फेयर फीडबैक्स तारीफ मत करना फेयर फीडबैक चाहिए क्या सच में क्योंकि मेरे लिए देखो यार बहुत चैलेंजिंग होता है कि इतने बड़े चैप्टर को इतने कम इंटरवल में सम्मिट पाना आप भी जानते हो मेरा मोस्ट ऑफ़ द एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है और ऑफलाइन क्लासेस में तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हर चैप्टर को बहुत डिटेल में टाइम लेते हुए कवर करते हैं लेकिन इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स को इतने छोटे से इंटरवल में कम्प्लीट कर पाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है लेकिन मैंने फिर भी इसको एज अ चैलेंज लिया कोशिश करी कि मुद्दे की बात काम की बात बताता जाऊंगा कांसेप्चुअल चीजें बताऊंगा और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि बीच में मैंने आसान सवाल भी लिए थोड़े से टफ सवाल भी लिए हर तरीके का प्रोफाइल कवर करने की कोशिश करी है तो हाउ वाज द सेशन प्लीज गिव योर फेयर रिव्यूज कैसा रहा सब बढ़िया अह एक भाई साहब पूछ रहे हैं सर एसी कब कवर करोगे देखो एसी कवर होगा परसों मतलब 6 तारीख को कवर होगा ठीक है आज रात को देखो पांच तारीख लग चुकी है ये समझ में आ रहा है कंफ्यूज मत हो जाना 12 बज चुके हैं 12 बज के दो मिनट हो गई हैं तो पांच तारीख को रात को 9 बजे फिर मुलाकात होगी और अब हम कवर करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एलआर सर्किट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस एलसी ऑसिलेशन्स काफी वेटेज वाले टॉपिक्स हैं जिनको हम अगले सेशन में कवर अप करेंगे ठीक है तो माहौल सेट ऑल इज वेल तो इसी के साथ आप लोगों की इजाज़त चाहिए मुलाकात होगी कल रात फिर से एक धमाकेदार शानदार सेशन में जिसमें ईएमआई के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे और बी कॉन्फिडेंट जे मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें अच्छा करना है इस विश्वास के साथ पढ़ाई करते रहिए देखिए लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है आपका एटीट्यूड और जिस भाई का एटीट्यूड पॉजिटिव है ना जो तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि मैं अच्छा करूंगा जिसको अपने आप पे बिलीफ है तो चाहे उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो या ना हो लेकिन इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ रहा है कि मैं अपनी में अपने कर रहा हूं। जब वो रात को सोने जाता है तो सुकून से सो रहा है तो वो लाइफ में ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा एक दिन तो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं कल चलिए थैंक यू सो मच आदित्य सर टीएन जीरो टू डब्लू क्यू वन बैच याद है बेटा सब कुछ याद है भाई कभी कुछ भूलता नहीं है बाज की नजर चीते की चाल और आरावाई की मेमोरी पे शक नहीं किया करते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर